लगता है हर्ट हो गया। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, खुश हुए ना? सच में तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? उन दोनों को तुम साथ में नहीं देख सकते? बिना जाने तो मैटर में पड़ो मत, अगर फिर से मैटर में पड़ी ना तो मैं। एक बात बता, क्या कर लेगा रे तू? तू अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझता है क्या? अच्छा, तू क्या बहुत बड़ी समाज सेविका है जो सारे लोगों को फ्री में खाना खिलाने के लिए बैठी हो? अगली बार ऐसा किया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत हो गई? तू जानता है क्या मैं कौन हूँ? मोबन कर बदमाश, वरना टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। छी, मोवाली, तेरी शक्ल देखना भी बुरी बात है। जा, बढ़िया ही नाटक दिखाने वाली, पागल कहीं की, बहुत खूबसूरत है ना, तो जा ना। पूरा मूड खराब कर दिया, इसकी तो मारना चाहिए इसे। क्यों सर इतनी देर कर दी? ट्रैफिक में फंस गया था। ठीक है, आपकी बेटी कहाँ है दिखाइए। वो रही वहां ऊपर, वो ग्रे कलर वाली। हाँ, व्हाइट एंड ब्लू। व्हाइट एंड ब्लू, यस। दुनिया के सभी जीवों में से मानव में एक विशेष लक्षण पाया जाता है और वो है सोचना। दिमाग से सोचने वाला इंसान है और जो दिल से सोचता है वो महान है। ऐसे ही है ये लक्ष्मी नारायण। शहर में इनकी चार मिठाई की दुकानें हैं जिनमें 40 कर्मचारी काम करते हैं। सभी उनकी बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि अगर किसी के ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो वो सबसे पहले उसके साथ खड़े होते हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की की है और ऐसा कई लोगों की मदद से ही संभव हो पाया है, ऐसा इनका मानना है। उन्हें मदद चाहे परोक्ष मिली है या फिर अपरोक्ष, उसे ये अपनी जिंदगी में कर्ज की तरह मानते हैं और समय पर उसे चुकाना भी चाहते हैं। आज ऐसा ही एक मौका आया है जब वो किसी की मदद करने के लिए निकल पड़े हैं। उस आदमी का नाम है रमन। लक्ष्मी नारायण जब अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर में आए तब उनकी हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा किया रमन ने। फिलहाल रमन हॉस्पिटल में लीवर प्रॉब्लम का इलाज करवा रहे हैं और उन्हें पैसों की जरूरत है। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। पेशेंट कैसा है? नो प्रॉब्लम सर, आउट ऑफ डेंजर, उन्हें ज्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए। एक बार देख सकता हूं? श्योर, थैंक यू। रमन मूर्ति, मैं देख लूंगा, आप घबराइए मत, शांति रहिए। भगवान ने मुझे इनका एहसान चुकाने का मौका दिया है इस तरह से। अभी तो रमन मूर्ति की तबीयत ठीक है, इतना ही काफी है। Ready to record the stereo mix now? You ready to record the stereo mix now? फुल बोतल में 100 रुपया बढ़ा दिया है। ए, मैं एक्स डिओड्रेंट के बारे में कह रहा हूँ। क्या उसके ऊपर भी 100 रुपया बढ़ा दिया? अबे जो बोल रहा हूँ सुन, मेरे पापा ने बचपन में कहा था कि बूस्ट पियोगे तो ताकत आएगी। मैंने पिया, ताकत आई। तुम लोगों ने कहा दारू पियोगे तो नशा चढ़ेगा, वो भी चढ़ गया। अब ये बता, टीवी में डीओ मारो तो लड़कियां पास आती हैं ऐसा बोलते हैं, वो भी मारा। ये तो वर्कआउट हुआ ही नहीं। आइडिया, लड़कियां मेरे पास नहीं आई तो क्या हुआ?
मैं उनके पास जाऊंगा। कम ऑन रेमो, कम ऑन। कोई लड़की पास आएगी सोचकर मैं बस स्टॉप पे घूम रहा था, लेकिन हर लड़की अपने ही एटीट्यूड में घूम रही थी। मैं लाइन मार रहा हूँ, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इस तो मुझ पे अन्याय कर दिया, अन्याय कर दिया। वो एड है यार। वही तो, फेयरनेस क्रीम यूज करो तो गोरे हो जाओगे, टैबलेट यूज करो तो लंबे हो जाओगे। इस तरह की एड देकर बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं। इस वजह से मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची है। इन कंपनियों पर तो मैं केस करूंगा। अभी करना क्या चाहते हैं? लॉयर उमा देवी को फोन करके एक्स कंपनी पर केस करूंगा। हेलो, लॉयर उमा देवी बोल रही हैं? यस, बोल रही हूँ। एक केस है, आपका रेट कितना है? रेट? आई मीन आपकी पेमेंट क्या है? वो केस पर डिपेंड होता है। इस तरह का केस तो आपने लड़ा नहीं होगा। बहुत से एंगल से डेंजर भी है, थोड़ा सा मुश्किल है। तुम डरो मत, इस उमा देवी के एंगर को कोई भी फेस नहीं कर सकता। आर यू कॉन्फिडेंट? नो एक्सपीरियंस, बट काम जल्दी शुरू हो जाना चाहिए। तो फिर कैश पहले ही देना होगा। ओके मैडम, नाइट में आ जाइए, 10,000 दे दूंगा। ओके, समथिंग इज रॉन्ग। एक्स कंपनी पर मैं केस करने जा रहा हूँ, इज्जत बचाने के लिए वो गारंटी के साथ सेटल करेंगे। 5 लाख मिनिमम। अबे तुझे 1 लाख दूंगा, सब्जी का दुकान खोल ले। ए, तुझे 1 लाख दूंगा, तू कर रिस्पॉन्ड बना ले। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर ही बना रहेगा। क्या बात है यार। चैतन्य तू ही है ना? या लॉयर उमा देवी को रात में आने के लिए 10,000 देने को कहा क्या? हाँ कहा था। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने ही ऐसी बात कर रहा है? नहीं तो फ्री में आएगी क्या सर? चाहो तो 25,000 और दे देता हूँ, लेकिन काम तुरंत शुरू होना चाहिए। बहुत हो गया, तुझे अरेस्ट करता हूँ। अरेस्ट? ओके मैडम, नाइट में आओगी तो 10,000 दूंगा। अरे बाप रे, उसने ऐसा सोच लिया। सर सर सर, इन सबके सामने कॉलर मत पकड़िए, मेरी इज्जत चली जाएगी। वुमेन उत्पीड़न केस है सर, वो एक केस था सर। लॉयर उमा देवी को तुम एक केस कहते हो? चलो पुलिस स्टेशन चलो। सर 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 सर, अरे आना यार, तुम चलो। सर सर सर, चलो जीप में बैठो। प्लीज सर, आप चाहो तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। प्लीज सर, पुलिस से कॉम्प्रोमाइज करवाएगा? इसलिए तो मैं पैसे दे रहा हूँ ना सर। हाँ, लगता है इसे मेरा वीकनेस पता है। ठीक है, एक मिनट, चुपचाप खड़ा रहे। मैडम, वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कह रहा है, कितना बोलूं? आप उसे 1 लाख बोलिए। हाँ भी ना मैडम, बड़ा बकरा है, उसे हम अच्छी तरह काट सकते हैं। पहले देखते हैं कि वो कितना ऑफर करता है। तो फिर आप ही देखिए। ठीक है, मैं ही देख लेता हूँ। हाँ अच्छा, बता कितना देगा तू? आप ही बताइए सर। 5 ठीक रहेगा। सर 5 बहुत ज्यादा हो गया, 1 ओके है ना? सिर्फ 1 से क्या होगा, 4 ओके करते हैं। सर सर सर, 2 सर, 2 ओके। बस कर सर, ये सब नहीं चलेगा। फाइनली आप 3 पे फिक्स कर लीजिए। ये 3 बोल रहा है, चल जल्दी निकाल। चल निकाल ना, 3 पे फिक्स। सर ये लीजिए, रख लीजिए 300 सर। तुम इतनी देर से 100 के बारे में बात कर रहे थे। 100 और दे दे सर। सर ये भी ले लीजिए सर, सब आप ही रख लीजिए। यस सर, तुम ही रख लो और चलो जीप में बैठो। सर सर सर, कितने चाहिए बताइए ना? 1 लाख। चलिए सर जीप में बैठता हूँ। अब ये क्या है? अभी के अभी मैं 1 लाख कहाँ से लाऊंगा? किससे पंगा लिया है पता है ना? द ग्रेट लॉयर उमा देवी से। अगर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ केस फाइल की तो तुम्हारी आधी जिंदगी जेल में कटेगी। 1 लाख हैज बीन डिपॉजिटेड टू अकाउंट नंबर। अरे यार, तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख रुपए आया हुआ है। हाँ ये देख, तेरे पास पैसा है फिर भी नाटक किया तूने। कैमरा के सामने अगर परफॉर्म करेगा तो लोग तालियां बजाएंगे, पुलिस के सामने करेगा तो लाठी खाएगा। चल पर्स दिखा। एटीएम कार्ड। अगली बार अगर पैसा देकर किसी को नाइट में आने के लिए इनवाइट करेगा तो पता है क्या होगा? पता है सर, आप आकर मुझे पकड़ लेंगे। ओके सर, ओके। यजमान, इस लड़की को देखिए, बहुत संस्कार वाली है, परिवार भी बहुत अच्छा है, सभी दृष्टिकोण से आपके परिवार के लिए बहुत अच्छी रहेगी। ए चेतू, ये पंडित जी तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेकर आए हैं। पापा, नाक बंद किए मैं समंदर को पार कर लूंगा, बट मंगलसूत्र नहीं। देखो फोटो देखकर तुम ऐसा नहीं कहोगे। हाँ बेटा, लड़की कैटरीना कैफ जैसी दिखती है। हा? मगर थोड़ी मोटी है, थोड़ी नाटी है, थोड़ी काली है, 2 दांत हमेशा बाहर रहते बस। तो फिर कैटरीना कैफ के साथ क्यों तुलना कर रहे हो? मतलब देखने में पेटेंट राइट्स नहीं है तो जिससे चाहे तुलना कर दोगे क्या? एक बात सुनो बेटा, अगर शादी कर लोगे ना तो पड़ोस की नानी की तरह सेकंड शो ही नहीं, पीना घूमना सब बंद हो जाएगा, समझे गए? मुझे ये सब बंद करना पड़ेगा, इसीलिए तो मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। यजमान ज्यादा मत सोचिए आप, अगर ऐसा लड़का रहेगा तो कोई भी शैम्पू लगा लीजिए, बाल तो उड़ने ही है। तो यजमान मुझे चलने की आज्ञा दीजिए, नमस्ते।
एमटेक तो पूरा हो गया ना, अब हमारे बिजनेस के बारे में सोचना शुरू करो। क्या कहा? आपका स्वीट शॉप मेरा सारा टैलेंट ले जाकर ये मोतीचूर के लड्डू, काजू की कतरी और मैसूर पाक ये सब तैयार करने में इस्तेमाल करूं? मैंने एमटेक किया है ताकि अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करके बहुत पैसे कमा के एक कार, एक बड़ा बंगला, खुशी से वीकेंड में स्टाइलिश तरीके से एंजॉय करना चाहता हूं। हमारे सारे स्वीट्स टेस्टी तो बहुत होते हैं लेकिन अपनी जो लाइफ है वो बहुत बोर है। बस इसलिए मैं अपनी पसंद का जॉब करना चाहता हूं पापा। देखो, अगर जॉब करोगे तो अकेले ही जियोगे, पर बिजनेस करोगे तो साथ में चार लोग और जियेंगे। तुम्हारी वजह से उन चार लोगों को मदद मिली ये सोचकर तुम्हें खुशी होगी। चार लोगों की मदद करने से क्या होगा पापा, लाइफ का मतलब स्टेटस और मनी होता है। और कितने दिनों तक तू ऐसे बिना काम के घूमेगा? मुझे भूख लगी है माँ। मैंने जो सवाल पूछा उसका ये जवाब नहीं है। मेरे आंसर का क्वेश्चन क्या है ये आप सोच लीजिए। देखा आपने इसे? कैसी लड़की इसकी लाइफ पार्टनर बनेगी पता नहीं। सुबह सुबह किसका फोन है, कौन होगा? हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्रेडिट कार्ड वाली हो गया? नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, मैं साइट है, बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरा नाम रूपा है। मैं आपको नहीं जानता। मगर मैं आपको जानती हूँ। हे चोरनी, फेसबुक पर प्रोफाइल देके फ्लैट हो गई ना? सलमान खान जैसा दिखता हूँ इसलिए लाइक कर रही है क्या? इसलिए मैं आपसे पर्सनली मिलना चाहती हूँ। ऐसा क्या? अभी कहाँ हो तुम? हाईटेक सिटी के बस स्टॉप के पास। 10 मिनट्स, 10 मिनट में वहां पहुंच रहा हूँ। ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम। इस मैसेज को 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, आपका मंगल होगा। नॉनसेंस। साहब थोड़ा पुण्य करो साहब, माता जी थोड़ा पुण्य कर लो, कुछ दे दो भूखे को, कुछ दे दो साहब, दे दो। फिगर तो अच्छा है, मुझे ही देख रही है, थोड़ा शर्म दे दो साहब, भूखे को कुछ खिला दो साहब। त्योहार मना लेना, मरकर आपका ही बेटा बनूंगा साहब। तब तो मैं शादी नहीं करूंगा, समझा? ला 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 ला। फिर से बैलेंस खत्म हो गया। एक्सक्यूज मी, मेरे फोन का बैलेंस खत्म हो गया है, कैन आई यूज योर फोन? एक लड़की को करना है, बहुत अच्छी आवाज है उसकी। कोई बात नहीं, अगर वॉइस नॉर्मल होगा तो भी कॉल लग ही जाएगा। नंबर बोलिए। 9848012345। आप रूपा से मिलने आए हैं क्या? हाँ आया हूँ, आपको कैसे पता? आप जिस रूपा से मिलने आए हैं वो मैं ही हूँ। चैतन्य जी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे उस दिन 1,00,000 रुपए दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने थे लेकिन बाय मिस्टेक आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, इसलिए बैंक वालों से पूछकर आपका नंबर लिया और आपको कांटेक्ट किया। प्लीज मेरा पैसा मुझे लौटा दीजिए। चैतन्य? क्या चैतन्य? हाँ? कौन चैतन्य? मैं अभी बंगाल से आया हूँ, अभी तुमरो भल्लो बशी, यहाँ मुझको कुछ नहीं मालूम। बेटा जरा ये एड्रेस बताना। ये यहाँ से सीधा जाइए, राइट में घूम जाइए, लेफ्ट में जाइए, चौथा घर है, जाइए। अब वो एक्चुअली इस एरिया का थोड़ा सा ज्ञान है, बट मैं चैतन्य नहीं हूँ। हाय चैतन्य, कैसा? हाय काका, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है? आपके 1,00,000 के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। एसआई जी। एसआई? ये यहाँ क्या कर रहा है? सर कैसे हैं सर? हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है ना? ओके ओके। अरे आप भी ना, आपका 1,00,000 मैं कैसे भूल सकता हूँ, कल ही तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था। लेकिन कल रोड पर एक बूढ़ी मर गई थी, उसके ऊपर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था, तो आपके पैसों से उसका अंतिम संस्कार करके उसके आत्मा को मैंने शादी। हाँ सर, आपकी फैमिली ठीक है ना? है, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। वही वही वही। अरे बाप रे, एक्चुअली उस बूढ़ी के पास गया था, वो पेट भर खाना खाकर सो चुकी थी, वो मेरी ही मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो फिर मेरे पैसे? एक्चुअली मेरे बुरे टाइम की वजह से अचानक से आपका सारा पैसा चोरी हो गया। तो क्या हुआ, आज 1,00,000 चले गए तो क्या हुआ, कल आप 2,00,000 रुपए कमा लोगी, फिर भी पैसों से क्या करोगी, इंसानियत अहम होती है। एसआई जी। सर आपका बच्चा ठीक है ना? कहाँ चले गए? हेलो, उधर नहीं इधर देख। कहाँ पे? क्यों है? कहा ना मेरी शादी नहीं हुई, फिर भी बीवी बच्चों के बारे में बात कर रहा है,
मैडम ये छेड़ रहा है या आपको धमकी दे रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर, एक्चुअली इन्होंने मेरे 1,00,000 रुपए सर वही उस दिन के लाख रुपए। बाप रे बाप, इस लाख रुपए में और उस लाख रुपए में जरूर कोई लिंक है, यहाँ से निकल जाने में ही भलाई है। अरे पहले जैसा ही है या बदल गया? नहीं सर, मैं बदल गया हूँ। अच्छा तो तू झूठ भी बोलता है, मेरे बारे में जानता है ना? जानता हूँ सर, आप स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं। सॉरी सर, मैंने फिर से झूठ बोला। जोक मार रहा है, लाख रुपया गया फिर भी तेरे लक्षण नहीं गए। मैडम इसने फिर कभी कोई प्रॉब्लम किया तो मुझे फोन करना, लॉकअप में डाल कर भरपूर पिटाई करूंगा, समझ गया ना? चाहिए ये सब क्या है? हम दोनों के बीच जो चल रहा है वो पुलिस को बताने की क्या जरूरत थी? वही आपका लाख रुपया, 1,00,000 रुपया 1 or 2 days में दे दूंगा ना, बाय। शह, मैं तो भूल ही गई उससे मेरे पैसे वापस लेने हैं, फोन करती हूँ। यहाँ भी आराम से बैठने नहीं देता, कौन होगा यार? अफो ये है। हेलो, 2 दिन में देता हूँ बोल दिया ना? ऑलरेडी 4 दिन हो चुके हैं। ओह, लेकिन ऐसा लगता है अभी अभी तुम मुझसे मिली हो। आर यू जोकिंग? वो क्या है, मैं एक इम्पोर्टेंट काम से आउट स्टेशन आया हूँ, कल श्योर मिलूंगा। आर यू श्योर? या श्योर, पक्का। पता नहीं और कितना झंझट करना पड़ेगा। ये क्या है, आपको कब आना था और कब आए हैं? कल बोला था आने के लिए, आज आ गया। मैं डेट के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ, टाइम के बारे में पूछ रही हूँ। मेरी वॉच रुक गई है सर। मेनू 180 230 280। छी 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 छी, इस होटल में दूसरी बार कभी नहीं आना। इस एरिया में यही कॉफी शॉप है सर, इसलिए तो नहीं आऊंगा कह रहा हूँ। चलो मुंह मत देख, जाके 2 hot coffee लेके आ। ओके सर। मैं यहाँ पर कॉफी के लिए नहीं, कैश के लिए आई हूँ। कैश ना, 1 minute। हाँ बोलिए। अर्जेंटली 1,00,000 रुपए लेकर कॉफी शॉप में आ जा। 1,00,000 क्या, 2,00,000 लेकर आता हूँ। मजाक मत कर यार। मजाक ना करूँ, शुरुआत तो तूने की ना। आ रहा है, ऑन द वे। इतने दिनों से सोच रहा था से धोए हुए कपड़े ही चमकते हैं, लेकिन आप तो उससे ज्यादा चमक रही हैं। तो क्या आप भी रोज सर्फ एक्सेल से? ओके। अब ये क्यों फोन कर रहा है? हाँ बोल भाई। अरे यार पैसा चाहिए, क्या कर रहा है तू? पैसे पेड़ पर लटक रहे हैं, आकर ले ले। पहले का तो चुकाया नहीं, और चाहिए। ठीक है ठीक है, अकाउंट नंबर भेजता हूँ, भेज देना। असल में आंध्रा तेलंगाना हैदराबाद के लिए झगड़ा कर रहा है, हालांकि उन्हें आपके लिए झगड़ा करना चाहिए। अब तुम मेरी तारीफ करना बंद करो और मेरे रुपए। अरे ये कहाँ आके फंस गया, भगवान करे इसके सर पर चोट लग जाए और इसकी याददाश्त चली जाए। क्या कहा? कॉफी, कॉफी पीने के लिए कह रहा हूँ। और कुछ चाहिए सर? 1,00,000 रुपए चाहिए, देगा क्या? जा बिल लेके आ चल। अरे बापरे बापरे बापरे, आपकी हंसी तो। बस करो, मेरे पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है, मैं समझ गई। पैसों के बारे में भूल जाओ तो ये अच्छा रहेगा। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, कल तक पैसे अरेंज हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। मेरे सारे फ्रेंड्स मैं दूंगा करके मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वो क्या है ना, मैं उनकी मदद करता रहता हूँ, तो आज मुझे वो क्या करें सर, दोस्त मुझसे प्यार बहुत करते हैं ना। मैडम सर बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं, नसीब वाली हैं आप। वो मैं कल पक्का दे दूंगा। हेलो। अरे यार मुझे तुरंत तुम्हारी हेल्प चाहिए। बापरे फिर से हेल्प, कैसा आदमी है यार, तेरी दौलत में मुझे आधा हिस्सा नहीं चाहिए भाई, तू टेंशन मत ले। ठीक है ठीक है, क्या है जल्दी बोलो। शाम को घर पर आ जाओ, वहीं बताऊंगा। ठीक है आ जाऊंगा। हाय 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 भाई। हाय यार। और ठीक है। अबे इस तरह देवदास बन के क्यों बैठा हुआ है? ए, प्लेन पेपर का जेरोक्स कराना और लड़के से प्यार कुछ नहीं मिलता भाई। 2,000 रुपए खर्च करके पार्टी ये दे रहा है तो तू अपनी प्रॉब्लम क्यों बता रहा है? चल तू बोल। हो गया यार, सब खत्म हो गया। असल में क्या है ना,
लड़कियां ब्यूटी पार्लर में, जिम में फिजिकल मेंटेन करके, छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाजार में घूमेगी तो ऑटोमेटिक लड़कों को प्यार हो ही जाएगा ना? हो ही जाएगा यार। अरे मैंने तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी नहीं बनाई, अरे पूरी की पूरी रात मैं उससे बातें करता हूँ। डबल इंटरेस्ट पर पैसा लेकर उसे इंटरव्यू के लिए ले गया, लेकिन जब घूमने की बात आई तो वो किरण के साथ जा रही है। प्यार का मतलब कोई चाइनीज आइटम नहीं है जिसे यूज करो और फेंक दो। प्यार का मतलब एयरपोर्ट के जैसा लंबा होता है जहाँ से जहाज उड़ती है। प्यार का मतलब गणपति जैसा बड़ा होता है। इतना ही नहीं यार, प्यार का मतलब हवा, पानी, आग। बैठ जा, बैठ जा। हाँ बैठता हूँ। इतना प्यार अपने दिल में दबा के रखा है तूने। प्यार कोई ऐसी वैसी चीज नहीं जिसे बगल में रख कर रिलैक्स करो। यार वो लड़की मुझे कैसे मिलेगी, इसके लिए कोई आइडिया दो ना प्लीज। एक आइडिया है मेरे पास, लड़की को किडनैप करके उससे पूछते हैं कि प्यार करेगी या नहीं। hey, इस घटिया आइडिया के लिए तुम्हारा बियर कट, चलो जाओ। अरे यार इसको कुछ बोलना ही बेकार है। अपने पावर स्टार पवन कल्याण जनता के लिए सवाल पूछते हैं, तो मैं तेरे प्यार के लिए उस लड़की से सवाल पूछूंगा। गूगल में सर्च करने के बाद भी तेरे जैसा यार नहीं मिलेगा। म्वा! ₹50 में इतना मिलता है? इस तरह के डाउट तुम्हें कहां से आते हैं? तुम क्या कर रही हो यहाँ, और वो भी इतनी रात को? ओह, कार प्रॉब्लम, आई विल सॉल्व इट। हटो, मैं देखता हूँ। अब समझ गया। देखो रेडिएटर में पानी नहीं है, इंजन ऑयल खत्म, करंट सप्लाई भी नहीं है, ये कार तो अब भंगार हो गई है। तुम्हारा सर, जरा नीचे देखो, टायर पंक्चर हुआ है। इतना क्यों पीते हो? इतनी पीने की वजह क्या है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। प्यास लगे तो बार की तरफ, भूख लगे तो बिरयानी की तरफ देखने वाले लोग हैं हम। तुम जिस सोसाइटी में जीती हो उसी सोसाइटी में हम भी जीते हैं। ज्यादा पियेंगे तो सर पकड़ लेता है, कम पियेंगे तो अच्छा लगता है, बिल्कुल नहीं पियेंगे तो मेंटल हो जाएंगे, पता है आपको? बढ़िया है। शहर के बार, पब, थिएटर छोड़कर दूर बैंकॉक में जाकर एंजॉय करेंगे, ऐसा नहीं लगता है आपको? अभी लेट हुआ है, घर जाना है, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? मुझे लगता है, जाओ। गुड नाइट। इसकी सिचुएशन देखकर लगता है ये यही सो जाएगा। पीने के लिए पैसे हैं पर मुझे देने के लिए नहीं। इडियट। आप मुझे मेरे घर तक ड्रॉप करेंगी क्या? हाँ हाँ, तो क्या तुम अपने आप घर पहुँच जाओगे? अरे मैं चला जाऊंगा, मेरा क्या है, घर आ गया? यही घर है? हाँ लगता तो यही है। वेट वेट, स्मेल आ रही है क्या? One minute. One, two, three. अभी आई क्या? नहीं आई। Okay. एक संभाल के। Good morning, papa. Hey, time क्या हुआ जानता है? Papa, जो बात करनी है 3 feet distance में रहकर बात कीजिए। Thanks बेटी, तुम इसे यहाँ घर तक लेकर आई। तुम actually ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, ये पीकर रोड पे गिरी हुई थी तो मैं इसे अपने घर ले आया हूँ। श्रीजा इसे अंदर ले चलो। चलो। पता नहीं कहाँ से इसे याद आ गया। अरे शराबियों की तरह रस्से पर भटकता रहता है। माँ ये कहाँ मिला तुम्हें बेटी? क्या है आंटी, मैं अपनी एक फ्रेंड की शादी में गई थी, रास्ते में मेरी कार का टायर पंक्चर हो गया, वहीं पे आपका बेटा मुझे मिला। अरे कार का टायर पंक्चर हो गया है? हाँ। इतनी रात को ऑटो से अकेले जाना ठीक नहीं होगा, अपने घर पर किसी को फोन करके बुला लो। मेरे डैडी बेंगलुरु गए हैं और मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। ओह आज रात तुम यहीं रुक जाओ बेटी, सुबह मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नहीं अंकल मैं चली जाती हूँ। तुम्हारे पिता के समान हूँ, मेरी बात मानो बेटी। नहीं अंकल मैं सच में चली जाऊंगी। नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी। चलो चलो मेरे साथ बेटा। आप बेटा बहुत रात हो गई आंटी है। आपको प्रॉब्लम क्यों दूं? तुम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दोगी। चलो ये कब सुधरेगा पता नहीं। दिन ब दिन ये छोटा बच्चा ही बनता जा रहा है। ये आपने क्या किया अंकल? वो बिना काम के घूमता रहता है तो आपको उसे डांटना चाहिए, और आप ऐसा कर रहे हैं। पूछता हूँ क्यों बेकार घूम रहे हो तो उल्टे सीधे जवाब देता है। जिस दिन उसे खुद लगेगा कि वो बेकार घूम रहा है उस दिन खुद काम शुरू कर देगा। बहुत
बहुत मजा आया था। याद है ना तुझे, बहुत दिन के बाद इतना अच्छा शो देखा हमने। हाँ सच में। ए राधा, वो नहीं आएगी। क्यों क्यों नहीं आएगी? क्या कमी है इसमें? थोड़ा कलर में कमजोर है, हाइट कम है, खूबसूरती कम है, पढ़ाई कम है, या फिर दौलत कम है? सिर्फ एक एक रीजन तो बताकर दिखाओ। अभी तूने जो कुछ भी कहा वही तो रीजन है। अभी ये क्या कह रही है? तूने स्टार्ट किया और उसने खत्म कर दिया। तुझे प्यार के बारे में बताने को कहा और तू मेरी खामियां बता रहा है। अब तू देख, ओए, ये मरने के लिए फांसी लगाएगा, पॉइजन पिएगा, गन से शूट कर लेगा, बस तू प्यार नहीं करती ऐसा बोल के दिखा, ये ऑन द स्पॉट मार के दिखा देगा। बहुत प्यारा बच्चा है। प्यार नहीं करती हूँ ऐसा हजार बार कह चुकी हूँ। स्ट्रोक तो क्या, इसे बुखार तक नहीं हुआ। अरे मैंने ऐसा कब कहा कि मर जाऊंगा? खाली फोकट तू मुझे फंसा रहा है, खुद ही डील कर लूंगा, तुम जाओ। अरे रुक 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 रुक, अभी डील करता हूँ, रिएक्शन कौन से रेंज में रहेगा देखना। दिखा। क्या सोच रही हो तुम, बहुत बड़ी तोप हो क्या? हो सकता है ये बहुत बड़ा कमीना हो या मवाली हो सकता है, फिर भी तुम्हारी क्या हिम्मत है जो तुम मेरे दोस्त को रिजेक्ट करो? तुम सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, शॉपिंग के लिए, घूमने के लिए एक का इस्तेमाल करती हो, उसके बाद शादी करके दूसरे की जिंदगी के साथ खेलती हो, और तो और वीना मलिक, सनी लियोन से इंस्पायर्ड होकर एक्सपोज करती रहती हो, तो ऐसे कमीने लोग ऑटोमेटिकली लव करेंगे तो तुम लोगों को यस बोलना ही पड़ेगा। देख लिया ना मैंने जो बोला उसका उस पर कितना असर पड़ गया। अभी तेरे पास आकर तुझे जोर से किस करेगी, देखना। तुम मेरे घर वालों से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, इसलिए मैंने किरण के साथ घूमने का ड्रामा किया, और अब तुम इस ब्रोकर को लाए हो मुझे इंप्रेस करने के लिए। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मुझे लगा तुम गुस्से में आकर मुझे थप्पड़ मारोगी। अरे बाप रे, ये कब आई? मारो इस कमीने को, ऐसे ही मारो। लड़की को क्या समझता है बे? वो तो देवी है, स्वर्ग में रहने वाली अप्सरा है, जो कि धरती पर एंजल्स के रूप में घूमने आई है। हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, आरती उतारनी चाहिए, प्यार करना चाहिए। मैंने भी तो वही किया था। अबे चुप, इसे प्यार बोलता है? तू जैसे लोग मर्द नहीं जानवर है, जानवर। कल तक मेरे प्यार में कॉमा लगा हुआ था, लेकिन आज तेरी वजह से फुल स्टॉप लग गया। तू तेरे जैसा दोस्त किसी को न मिले। हाय, कैसी हो और क्या बात है, आप कब आई? जब तुम लड़की को गाली दे रहे थे ना, तभी मैं आई। अच्छा तभी आई, अब क्या करूं? आपको टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने देख लिया होता ना, तो 1 to 10 रैंक्स में फर्स्ट रैंक आपका ही होता। अभी किसको टाइम्स ऑफ इंडिया वालों को फोन लगा रही है? नहीं, हेलो, एसआई सर को एक मिनट, आपका पैसा एक घंटे में देता हूँ, प्लीज मेरे साथ आइए। कहाँ? इससे कैसे छुटकारा पाऊँ? हाँ मैं शास्त्री बोल रहा हूँ, सब ठीक है ना? नमस्ते पंडित जी। ऐसा ही करेंगे, ओके बाय। क्यों बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ पंडित जी। उस दिन आपने एक रिश्ता बताया था ना? हाँ, उस रिश्ते के बारे में जो मैंने बताया था, तुमने तो रिश्ता ही काट दिया था। आप क्या हुआ? अरे नहीं नहीं नहीं, अभी वही मेरी लाइफ है। अच्छा, प्लीज वो मैच आप ही सेट करके दे दीजिए ना। अरे ऐसे कैसे? प्लीज पंडित जी, प्लीज, अरे मुझे प्लीज पंडित जी करके दे दीजिए, प्लीज, अभी बहुत सारे कमिटमेंट्स बाकी हैं, प्लीज। बहुत जिद्दी है तू, बात नहीं सुनता है, रुक। ये ले, ये एड्रेस पे जाके उनसे मिल ले, तुम जाने वाले हो, फोन करके मैं उनको पहले ही बता देता हूँ। महान, ठीक है ना? सुख जाओ। ये किसका घर है? वर्कआउट हुआ तो मेरी होने वाली पत्नी का, बाद में मेरा ही होगा ना? मेरी कुछ समझ में नहीं आया, पूरा डिटेल में बताना पड़ता है। हम यहाँ एक लड़की देखने आए हैं। लड़की देखने आए हैं? ऐसा सडनली? तुम रोज लाख रुपए करके परेशान करती हो, इसलिए मुझे आना पड़ा। क्या मतलब, तुम उससे पैसों के लिए शादी कर रहे हो? क्यों, पैसों के लिए लोग नौकरी करते हैं, चोरी करते हैं, मैंने शादी की तो क्या गलत हो गया? बहुत हुआ, चलो। अब देखना हमें देखकर वो कैसे शॉक हो जाते हैं। आओ बेटा, आ जाओ, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, अंदर आओ। ये लड़की कौन है बेटा? वो जान पहचान वाली होगी। हाँ, सही कहा आपने। बेटा क्या लेना चाहोगे तुम? जी वो ताजे फ्रूट्स। हाँ। खा लो, ताजे फ्रूट्स लेकर आओ। बेटी सुंदरी, अभी लिपस्टिक लगा रही हूँ पिताजी। बेटा मैं सीधे बिना लाग लपेट के बात करता हूँ, उसे खाना पकाना नहीं आता, उसके लिए तुम्हें एक नौकरानी रखनी पड़ेगी। कपड़ा धोना भी नहीं आता, उसके लिए भी तुम्हें एक नौकरानी रखनी पड़ेगी। तो फिर वो खुद घर संसार बसाएगी या फिर मैं दूसरा कुछ अरेंज कर दूं? मजाक अच्छा कर लेते हो। बेटी हो गया क्या? चूड़ी पहन रही हूँ पिताजी। अच्छा बेटा, जूस पीना पसंद करोगे? मंगवाइए। जाओ दो एप्पल जूस लेकर आओ। तुम्हारे माता पिता नहीं आए? वो लोग बिजी होंगे। तुम्हारे पिता कैसे हैं? वो ठीक ही होंगे, तो फिर अच्छी बात है।
अंकल जी, अगर कुछ एडवांस दे देंगे तो? एडवांस किस लिए बेटा, पूरा अमाउंट एक ही बार में ले लो। बेटी हो गया? पायल पहन रही हूँ पिताजी। अच्छा बेटा, तुम्हें मिठाई तो लेनी ही होगी, जाओ इनके लिए मिठाई लेकर आओ। लगता है यहाँ वर्कआउट नहीं होगा, यहाँ से बाहर जाना ही अच्छा है। नहीं आएगी आज वो, बाहर नहीं आएगी। आंटी तो मुझे बात करनी देती नहीं है। लेकिन आप तो कॉफी पियो, चाय पियो, फ्रूट खाओ कहोगे, लेकिन लाएगा तो कोई नहीं। इस मैच में दीदी सेंचुरी मारने वाली थी, पर ये मैच भी कैंसिल हो गया। अरे बेटी हो गया? अरे आ रही हूँ ना पिताजी। बुलाइए उसे, बुलाइए, मैं यहीं पर हूँ। दामाजी गुस्सा आ रहा है क्या? आया ही होगा। मेरा डायलॉग आप नहीं बोलोगी, मेरा डायलॉग मैं ही बोलूंगा। अगली बार मेरा डायलॉग मारोगी ना तो कान के नीचे खींच के दूंगा। और तू क्या बे लॉलीपॉप मुंह में डालकर ऐसे बैठा हुआ है, उठता है कि नहीं वहाँ से? गुस्सा मत करो, बैठ जाओ ना, स्वीट खाते खाते बात करेंगे। मंगवाओ स्वीट, मंगवाओ ना, मंगवाओ ना स्वीट। चलो चलो यहाँ से, बात करते हैं। बेटी हुआ क्या? पायल पहन रही हूँ पिताजी। गुस्सा मत हो, बैठ जाओ, स्वीट खाते हुए बात करेंगे। तुम तो दहेज भी उनसे एडवांस में मांग रहे थे, और देखो वो लोग तो एडवांस क्यों, पूरा ही ले जाओ कह रहे थे। अब बस भी करोगी? हाँ ठीक है, तो फिर मेरे पैसों का क्या? तो ठीक है हंसो। मतलब पैसे नहीं दोगे? क्यों नहीं दूंगा, हमारी चाची के सास के बेटे की तीसरी बहन के तीसरी लड़की का रिश्ता आया है, बहुत बड़ी पार्टी है, दो दिनों में मैटर कंफर्म कर दूंगा और तुम्हारा पैसा तुम्हें दे दूंगा। देखो तुम्हारी शादी से मेरे पैसों का कोई संबंध नहीं है, वो मेरे सेविंग किए हुए पैसे थे जो मैं ऑर्फनेज को देने वाली थी। तुम क्या करोगे कैसे करोगे मुझे कुछ नहीं पता, कल तक मेरा पैसा मुझे मिल जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा बायोडेटा एसआई को दे दूंगी। वो मेरे सेविंग किए हुए पैसे थे जो मैं ऑर्फनेज को देने वाली थी। तुम क्या करोगे कैसे करोगे मुझे कुछ नहीं पता, कल तक मेरा पैसा मुझे मिल जाना चाहिए। हेलो, कल शाम 10 o'clock एट माधोपुर स्मोक सेंस बाय हुक्का सेंटर में आ जाना। हुक्का सेंटर? हेलो, ये फिर से कोई ड्रामा है क्या? मेरे ही पैसे मुझे लेने के लिए बुलाओगे और मेरा एडवांटेज लोगे क्या? हेलो, उतनी भी सुंदर नहीं हो तुम, तुम्हें कैश चाहिए या क्लैरिटी चाहिए? मुझे कैश चाहिए। हाँ तो आ जाना, वही तुमसे मिल लूंगा। चलिए रख, क्यों रे, सबको सैलरी मिल गई ना? हाँ मिल गई भाई। ओके जाओ तुम लोग मजे करो। भाई आपके दिए हुए पैसे से सबसे पहले मैंने एक एप्पल खरीदा। हाँ? पैसों से एप्पल खरीदा? फोन भाई। ओहो, सिम डालो और एंजॉय करो। हाँ। देखा ना, ये है बैंकॉक बाबूराव। ये किसी भी तरह पैसा कमाकर बैंकॉक जाकर वहाँ का डॉन बनना चाहता है, और इसके लिए ये कोई भी काम करता रहता है। अरे ये ऊपर उंगली क्यों उठा रहा है, बाप की याद आ रही है क्या? अरे ऐसा नहीं है भाई, वो आउट हो गया, ये कंफर्म करने के लिए उंगली उठाई है, इसीलिए बोलता हूँ, कभी कभी क्रिकेट भी देख लिया करो। अरे इसीलिए तो अभी देख रहा हूँ। तो देखो ना भाई। वाह वाह वाह, इसने दोनों हाथ उठा लिए, एक ही बॉल में दो आउट हो गए। भाई वो आउट नहीं हुआ भाई, उसने सिक्सर मारा है। अरे एक उंगली उठाने का मतलब आउट ना, उसने दो उंगली उठाई इसका मतलब दो दो आउट हुए ना। हाँ भाई सही कह रहे। ये बार बार शी शी क्यों कर रहा, आखिर ये है कौन भाई? क्रिकेट बैटिंग भाई, इंडिया में रेलवे के बजट से ज्यादा क्रिकेट में बैटिंग का बजट है भाई। ऐसा है क्या, अपन खेलेगा तो पैसा मिलेगा क्या? खेलने से नहीं, जीतोगे तो मिलेगा। मेरा पैसा लेकर मुझे ही डायलॉग मार रहा है। भाई उस बैंक मैनेजर को साइड में रखो, ठीक है भाई, मैं जाकर इसका काम देखता हूँ। ऑस्ट्रेलिया पे बेट लगाता हूँ, तुम कितना दोगे? एक पैसा नहीं दूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नहीं खेल रहा। नेक्स्ट बॉल फोर मारेगा, 5,000 का बेट। चलो ठीक है ना, ये तो आता ही है ना। ओके
पैसे दो जल्दी पैसे दो जल्दी दो जल्दी भाई आपकी तो तकदीर बदल गई। और अब नेक्स्ट बॉल पे विकेट 10,000 लगाता है क्या? हाँ लगा लो। हाँ लगा ओके। लक के साथ मेरा गहरा रिश्ता है, हो गया देख रहे हो। चलो पैसे दो प्लीज दे दो, जल्दी दो जल्दी। तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है फिर भी तुम्हारा पैसा इंटरेस्ट के साथ लग रहा है ना। ये लो नेक्स्ट बॉल 4, 20,000 लगाएगा क्या? ओके लगा ले। हाँ चलेगा। अरे पैसे दो पैसे दो पैसे दो। काहे के पैसे? उसने वहां 6 मारा है, 4 नहीं। हाँ 4 मारे या 6, 4 से तो ज्यादा है ना। तू मुझे 2,000 ज्यादा देगा। पागल समझाए क्या भाई? बुरा मत मानो, वो सही कह रहा है। क्या बोल रहा है? ऐसे दे दो उसे भाई, दे दो। ये लो, ऐसा नहीं चलेगा। अब रिवर्स गेम खेलेंगे, तुम उससे बेट लगा। नेक्स्ट बॉल विकेट, और ये बनेगा बकेट। सही कहा। अबे देख आउट हो गया। चल ला 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 ला, पैसा ला। अबे जल्दी ला। और अब 6 मारेगा। हाँ 6 मारेगा। ओके अबे देखा ना 6 मारा। चल ला ला, पैसा ला पैसा ला पैसा ला। Hey, भाई तू मुझे पैसे दे। मेरे पास कहाँ है? अभी सैलरी दी थी ना। इस बार ना 4 मारा तो पूरा पैसा मेरा, नहीं तो पूरा तेरा। चलो ठीक है। अबे ये देख 4 मारा, 4 मारा, चल ला ला, पैसा ला, पैसा ला, पैसा ला, जल्दी ला, जल्दी ला। अब मेरी बारी है। क्या हुआ? चल दे। हमेशा पहले देता है, फिर मांग लेता है। यह है फाइनल। ये बॉल 4 जाएगा? नहीं जाएगा। और पाकिस्तान जीतेगा। कुछ पैसा है? ये ले 10 रुपए। इसमें क्या होगा? चल चल के लिया। बेटे के लिए चॉकलेट चाहिए। चल ठीक है। सर बिल। हम नील हैं। जो भी है दीजिए। एप्पल फोन चलेगा। देखा ना, खाली फोकट टेंशन ले रही थी। मैंने बैट जीत कर तुम्हारे फेस पर ब्राइटनेस बढ़ा दिया है। ये क्या, बच्चे तो इंडिया विन कह रहे हैं लेकिन अंदर तो पाकिस्तान जीता ना। अरे वो क्या है ना, जीता तो है लेकिन 5 साल पहले की मैच है। हाँ मतलब अंदर जो तुम देख रही थी वो पुराना मैच है, DVD। मतलब तुमने चीटिंग की, लेकिन तुम तो पैसे हार गए थे ना। ये लो भाई अपने पैसे। थैंक्स यार, अच्छी एक्टिंग की। कोई बात नहीं यार, अगर उसे पता चल गया कि तुमने चीटिंग की है तो वो चुप नहीं बैठेगा। चुप रहेंगे? अरे वो लोग पक्का चेस करेंगे। जरा अपने पीछे देखो। वो लोग आ रहे हैं, अब क्या करेंगे? बस अब भागने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें रनिंग आती है? हाँ। अरे तो जल्दी चलो, 1 2 3 रन। चलो चलो जल्दी। चीटिंग तो तुमने की है, मुझे क्यों भगा रहे हो? अरे डिस्कशन जरूरी है क्या? पहले भागो। क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो? सीरियस नहीं होते क्या? लाइफ में तुम्हारा गोल एम्बिशन कुछ भी नहीं है क्या? चलो जल्दी, अगर उसके हाथ लगे ना तो फ्रंट और बैक, फ्रंट और बैक मारते रहेंगे। छोड़ेंगे नहीं तुझे। जल्दी चलो। अभी आओ सालो। अरे अरे इधर पैसे यार। अरे लूट ले लूट ले, जल्दी उठा जल्दी। चल बे मोटे, ये मेरा इधर। अरे मेरा, चलो चलो। ये लो 1,10,000 रुपए। थोड़ा पैसा अनाथ बच्चों को देना, थोड़ा पैसा बचा कर रखना, जैसे चाहो वैसा खर्च मत करना। इस देश में बस 1 रुपया 1 किलो चावल है, बाकी सबका रेट बढ़ गया है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग मत करना। भिखारियों को 1 और 2 रुपए से ज्यादा देना मत, ये ठीक नहीं होते हैं। तुम्हारी शादी भी तो बाकी है ना, तो शादी के लिए कुछ पैसा बचा कर रखो और कुछ बच्चों के लिए फिक्स डिपॉजिट कर देना और अपनी लाइफ हंसी खुशी गुजार देना। क्यों सुन रही हो ना? चलो पैसा मिल गया ना, अब अपनी बात क्यों सुनेगी? ABCDEFG। नमस्ते जी। नमस्ते मैडम।
कैसे हो तुम सब? ठीक हो? ये लो, वेट 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 चाहिए। इस साल का मेरा डोनेशन थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। कोई बात नहीं मैडम, अच्छे काम में हमेशा देरी होती है। थैंक यू, बाय बच्चे लो। बाय दीदी। बादशाह भाई से मिले हुए बहुत दिन हो गए, पता नहीं आजकल क्या कर रहे हैं वो। उन्होंने मुझे शॉप खुलवाने में बहुत मदद की थी, उनका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। सलाम वालेकुम बादशाह भाई। वालेकुम सलाम। मेरा कपड़ा दीजिए भाई। हाँ हाँ, अच्छी बात है, खुदा हाफिज़। ठीक है। ये तो हज के लिए टिकट है। आप लक्ष्मी नारायण? लक्ष्मी नारायण, अरे मेरे दोस्त, कितने साल हो गए तुम्हें देखे हुए, कैसे हो तुम? आओ आओ बैठो बैठो। पुराने दिन याद है ना आपको, ईरानी के पे चाय। मैं कुछ भी नहीं भूला, तुम्हें भी सब याद है। सर पैसा। हेलो, मेरे पैसे? दे दूंगा ना, जब देखो जहां देखो पैसा पैसा करती हो। पैसा के जेब में रख के घूमता हूँ क्या? I'm sorry. हेलो, ये पब्लिक प्लेस है। I'm sorry. It's okay. It's okay. लड़की और माया का किक ही कुछ अलग होता है। ऐसा तो कभी मेरे साथ हुआ नहीं, मेरा दिल बार बार उसी के बारे में सोच रहा है। कहीं ये प्यार तो नहीं? कन्फर्म ये प्यार ही है, अब मुझे देरी नहीं करनी चाहिए। हाँ चेतु बेटा, आज मैं बहुत थक गया हूँ, जरा पैर दबा दोगे? अबा छोटा सा इंपॉर्टेंट काम है, मैं बाद में आकर दबाता हूँ। ओके प्लीज प्लीज प्लीज। अबे चोरनी, तू यहाँ छुपी है? ओके हाय। I'm sorry. मैंने सोचा मेरी फ्रेंड है। It's okay. मैंने भी सोचा मेरे पति हैं। तो फिर ये? ये मेरे स्कूल के दोस्त हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ओह, अच्छी बात है। All the best. डार्लिंग, आ जाओ। मुझे तो लगा तेरा पति ही आ गया। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही है। चलो जाके बात तो करते हैं। बच्ची, हाय। क्या बात है, यहाँ क्यों आए? आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती। तो फिर हॉस्पिटल में जाना चाहिए, यहाँ पर क्यों आए तुम? मैं ऑलरेडी हॉस्पिटल तो गया था, तो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में कहा कि एटलीस्ट रोज आपसे एक बार तो मिलना ही है, इसलिए यहाँ आ गया। उसे कहीं देखा है? वो तुम्हारा फ्रेंड है ना? मेरा फ्रेंड? अरे हाँ। ओए सुन, अबे मैं तेरा दोस्त चेतु। क्या यार, ये क्या हाल बना रखा है, ऐसा कैसा हो गया तू? उस दिन तुझे राधा को कन्विंस करने के लिए कहा, तूने तो कनेक्शन ही कट कर दिया। तब से वो ऐसे नाराज है कि मुझे देखते ही डांटती है, बात करता हो तो मारती है। तू भी ना, कोई रोता है तो दो बूंद आंसू निकलते हैं, ये पूरा शर्ट खराब कर दिया, पागल हो गया? अब मैं क्या करूं बताओ ना। अभी कुछ मत कर, डायरेक्ट कर दे। करूंगा तो वो मुझसे शादी कर लेगी ना? अरे पागल, करने के बाद शादी करने के लिए मना भी करेगी तो क्या फर्क पड़ता है? अरे बाप रे, तुम कभी नहीं सुधरोगे क्या? छी, तुम्हारे मुंह से एक भी अच्छी बात नहीं निकलती, हमेशा किसी ना किसी को इरिटेट करते रहते हो। झूठ बोला बस इतना ही आता है,
तुम ना एक करेंसी नोट के जैसे हो जो हमेशा हाथ बदलता रहता है, वैसे ही तुम बातें बदलते हो, मगर उसकी वैल्यू है तुम्हारी नहीं। एक्चुअली मैं उस दिन लाख रुपए वाली बात तुम्हारे पिताजी को बताने वाली थी, मगर उनका जो तुम पर भरोसा है वो देखकर मैं उन्हें बता नहीं पाई। आई डिडंट वांट टू हर्ट हिम। छह, फिर कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। चलो बच्चों, चलते हैं। ये लड़की क्यों मुझ पर खामखा गुस्सा कर रही है? सभी लड़कियां ऐसी होती हैं, हमेशा अपनी दादागिरी झाड़ती रहेंगी। हेलो, कैसे हो गया ये? हार्ट अटैक हो गया, रात को एकदम ठीक थे और सुबह ऐसा हो गया। या अल्लाह, इतने अच्छे इंसान को इतनी जल्दी तुमने अपने पास बुला लिया। अल्लाह, चेतु बेटा, आज मैं बहुत थक गया हूँ, जरा पैर दबा दोगे? पापा, छोटा सा इंपॉर्टेंट काम है, वो करके आता हूँ, बाद में दबाता हूँ। ओके, चेतू क्या है ये? चलना। ए, मैंने लाइफ में कुछ करने के बाद ऐसा सोचा था कि अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करूंगा, जब पापा जिंदा थे तब ये करना चाहिए था, ये मैंने सोचा ही नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा। मुझे यकीन है तू हमारा बिजनेस जल्दी देखना शुरू कर रही है। मुझसे नहीं होगा पापा। मना मत कर बेटा। क्यों बेटा, मैं नहीं हूं ये सोचकर दुखी हो रहे हो? मैं कहीं नहीं गया, जब तक तुम मुझे नहीं भूलोगे मैं कहां जाऊंगा? इंसान हमेशा यादों में जिंदा रहता है, तुम्हारे कर्मों को लोग याद रखें तो तुम कभी नहीं मरोगे। दो जोक्स बोलकर लोगों को हंसाना जिंदगी नहीं है, तुम्हारे कर्मों की वजह से किसी एक इंसान की जिंदगी भी सुधर जाए तो वो संतुष्टि करोड़ों देकर भी नहीं मिल सकती। अगर किसी व्यक्ति को कुछ हासिल करना है तो उसके लिए उसका दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी है। कमाने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता, इंसान कमाना असली कमाई होती है। माँ पानी देना। हाँ ला रही हूँ। ये तुम्हारे पिताजी की आखिरी इच्छा थी, वो चाहते थे कि तुम उनके बिजनेस की देखभाल करो। इस डायरी में जिन चार लोगों के नाम लिखे हैं वो उनकी मदद करना चाहते थे, क्योंकि उनके बुरे वक्त में इन्हीं लोगों ने उनकी मदद की थी। इसलिए तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि किसी न किसी तरह इनके एहसानों का बदला चुका सके। ये तुम्हारे पिताजी हमेशा से चाहते थे, लेकिन ये हो नहीं पाया। पावर प्लांट पार्टनरशिप के लिए हमसे बात करने के लिए आ रहे हैं। 1 to 2 लंच, 2 to 3
पेंडिंग फाइल्स, 3 to 4 एम्प्लॉयज मीटिंग, 4 to 5 होम मिनिस्टर के साथ अपॉइंटमेंट। हाँ एक बात और, वो कल बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ मीटिंग फिक्स करो। ओके सर। तो हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। जी सर। एक्सक्यूज मी मैम। यस। वो जगदीश चंद्र जी से मिला है। अपॉइंटमेंट ली है आपने? नहीं, लेकिन मैं उन्हें जानता हूँ। सॉरी सर, अपॉइंटमेंट के बिना मिलना मुश्किल है, कल की अपॉइंटमेंट ले लीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नो सर, मैं कुछ नहीं कर सकती, आप जाकर उनसे बात कर लीजिए। सर 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 जी। एक्सक्यूज मी सर, जगदीश चंद्र जी से मिलना है सर, वो मुझे अच्छे से जानते हैं सर। सॉरी आज बहुत ही बिजी शेड्यूल है, आज नहीं मिल सकते सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ मैटर है सर, प्लीज। एक काम करो, कल मॉर्निंग 10 बजे आ जाओ, मैं मिलवा दूंगा। ओके थैंक यू सर। हेलो सर। पीए, सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल करने के लिए कहा था, फिर क्यों भेजा इसे? सर उसने बोला कि वो आपको जानता है, इसलिए मैंने उसे अपॉइंटमेंट दे दिया सर। सॉरी सर। आओ बेटा बैठो, क्या काम है जल्दी बोलो। आपकी कुछ मदद करने के लिए आया हूँ सर। कोई दूसरा जोक नहीं है? मैं जोक नहीं कर रहा हूँ सर, आपकी हेल्प करने के लिए ही आया हूँ। मुझे तुम्हारे हेल्प की जरूरत नहीं है, आई एम वेल सेटल्ड। इस दुनिया में बिना पैसों के बिना पढ़े हुए बहुत सारे लोग हैं सर, और मदद चाहने वाले भी तो बहुत से लोग हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, बताइए सर, मैं आपकी मदद करूंगा। आखिर तुम हो कौन और मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो? सर आप लक्ष्मी नारायण जी को जानते हैं? लक्ष्मी नारायण? यह लक्ष्मी नारायण कौन है? 30 साल पहले आपके पास नौकरी करने आए थे, आपने उन्हें नौकरी तो नहीं दी लेकिन बिजनेस करने का आइडिया दे दिया, और उसी आइडिया से उनका आज शहर में श्रीजा होम फूड का शॉप है, और आपके बदौलत ही ये सब हुआ, इसलिए आपकी वो मदद करके एहसान चुकाना चाहते हैं, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी लिस्ट में आपका अकेले का नाम बैलेंस नहीं है सर। सच कहो तो मैं आपकी मदद करने आया हूँ, लेकिन अब आपसे मदद मांग रहा हूँ, क्योंकि मैंने जितना हेयर स्टाइल पर फोकस किया उतना पापा के बताए हुए लाइफ स्टाइल पर नहीं किया। जब वो जिंदा थे तो उनकी एक भी इच्छा मैंने पूरी नहीं की। अभी अगर मैं सिर्फ आपको भी मदद कर पाया तो मैं मेरे पापा की इच्छा पूरी कर पाया, ये मुझे सेटिस्फेक्शन रहेगा। प्लीज सर, चाहे जैसी हो मैं आपकी हेल्प करूंगा सर। मगर मुझे किसी हेल्प की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। नहीं सर, कुछ तो मैंने कह दिया ना, अभी जाओ। अरे भाई आपने भेजने के लिए कहा, मैंने भेज दिया, गलती आपकी है। हाँ सो आप हमसे ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? अरे कितनी बार कहा साहब, इधर नहीं रुकने का, जाओ। हाँ 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 हेलो बोलो, सुन रहा हूँ। साहब मैं आपसे ही कह रहा हूँ, जाओ यहाँ से। एक ही बार, अरे अंदर नहीं जा सकते। अरे मैं, चलो जाओ। अरे जाओ भाई जाओ, बस एक बार मिल तो लूं। मैं जो हेल्प मांगूंगा तुम करोगे? हाँ सर बिल्कुल करूंगा। मेरी बेटी से शादी करोगे? सॉरी सर मैं समझा नहीं। ऐसा मैंने तुमसे क्यों कहा, यही सोच रहे हो ना तुम? बताता हूँ, किसी लड़की की जिंदगी में पिता के बाद उसकी जगह उसका पति ही लेता है। मैं चाहे कैसा भी रिश्ता देखूं उसे पसंद ही नहीं आता। अब उसकी शादी के लिए लड़का मैं नहीं ढूंढूंगा, वही किसी लड़के को पसंद करके मुझसे शादी के लिए कहे, ऐसा मैं सोच रहा हूं। और ऐसा करने के लिए उसे किसी से प्यार होना चाहिए, इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरे बारे में आपको कुछ नहीं पता, फिर भी आप अपनी बेटी की शादी मुझसे? कोई भी अपने पिता के मरने के बाद विरासत में रुपए पैसे या फिर पिता की नौकरी मांगता है, पर तुम अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो, तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी लगी। हेल्प करना चाहते हो ना मेरी, तो फिर हेल्प करो। ठीक है करूंगा सर, बट वन कंडीशन, तुम उससे सीधे आई लव यू नहीं कहोगे, बल्कि वो आकर तुमसे आई लव यू कहे,
तभी मुझे सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने उसकी पसंद के लड़के से उसकी शादी करवाई है। ओके सर। गुड। कल सुबह 10 बजे मैं फोन करके जगह बताऊंगा, आकर उससे मिल लेना। ठीक है सर। ऑल द बेस्ट। हेलो, कैसी हैं आप? मैं बैठ सकता हूँ? आपसे एक बात करनी है। एक्चुअली उस दिन जो हुआ उसमें मेरे दोस्त की गलती नहीं थी, मैं ही उसका दुख नहीं देख पाया इसलिए तुम्हें गाली देता हूँ। एक्चुअली ड्रिंक करने की वजह से ही आप पे बहुत गुस्सा है, आप बहुत नाटक करती हो, आप उसका दिल नहीं देखती हो, आप उसके पर्स में रखा हुआ ATM कार्ड देखती हो, ऐसा बोल दिया था। इसलिए मैंने भी वो सब सुनकर आपको डांट दिया। लेकिन आपसे उसके पर्स में रखे हुए ATM कार्ड को मत देखिए, उसका दिल देखिए, उसमें आप जरूर रहेंगी। अरे यार, तू टेंशन मत ले यार, मैंने सब सेट कर दिया है। क्यों रे, मैं गुस्से वाली हूँ तो मैं पैसों के लिए इस्तेमाल करती हूँ? छी, अगली बार अपनी शक्ल दिखाई तो मार डालूंगी। कमाल है, सब कुछ तो क्लियरली बता ही दिया था, उसके बाद भी मार करके। उस दिन नशे में जो कुछ कहा वो सब बता दिया क्या? मैंने उसका पैर पकड़कर उसे मनाया था, लेकिन तूने सब पे पानी फेर दिया। अरे तेरे जैसे दोस्त को तो अबे यार, लगता है हर्ट हो गया। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, खुश हुए ना? सच में तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? उन दोनों को तुम साथ में नहीं देख सकते? बिना जाने तो मैटर में पड़ो मत, अगर फिर से मैटर में पड़ी ना तो मैं। एक बात बता, क्या कर लेगा रे तू? तू अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझता है क्या? अच्छा, तू क्या बहुत बड़ी समाज सेविका है जो सारे लोगों को फ्री में खाना खिलाने के लिए बैठी हो? अगली बार ऐसा किया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। ए, तेरी इतनी हिम्मत हो गई? तू जानता है क्या मैं कौन हूं? मुंह बंद कर बदमाश, वरना टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। छी छी, मोवाली, तेरी शक्ल देखना भी बुरी बात है। जा, बड़ी आई नाटक दिखाने वाली, पागल कहीं की, बहुत खूबसूरत है ना, तो जा ना। पूरा मूड खराब कर दिया, इसकी तो मारना चाहिए इसे। क्यों सर इतनी देर कर दी? ट्रैफिक में फंस गया था। ठीक है, आपकी बेटी कहाँ है दिखाइए। वो रही वहां ऊपर, वो ग्रे कलर वाली। हाँ, व्हाइट एंड ब्लू। व्हाइट एंड ब्लू, यस। मेरी बेटी को पटाना इतना आसान नहीं है। आसान निकाल दीजिए सर, नहीं पटेगी चाहे मैं जितनी कोशिश करूं। वो मेरी बेटी है ना। अरे वो किसी की भी बेटी हो, वो मुझसे नहीं पटेगी। मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ, तुम्हें लड़की को पटाना आता ही नहीं है। थैंक्स, डिटेल्स पूछे बिना मेरे बारे में इतना क्लियर बता दिया। लेकिन मैं एक बात तुम्हें साफ साफ बता दूं। कौन सी बात? पिछले 2 सालों में मैंने मिलीनियर्स, बिलीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, पॉलिटिशियंस, हर तरह के रिश्ते को ढूंढा है। लगभग सभी तरह की कोशिश कर चुका हूँ। इतना ही नहीं, 1000 रिश्तों को जोड़ने वाले पिठापुरम के पंडित जी भी उसके लिए रिश्ता नहीं ढूंढ पाए। आप मुझे ये बताइए, पानीपत युद्ध कब हुआ 1526. था? पूरी जगन्नाथ जी की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी? पटाया। पंजाब किंग्स 11 का ओनर कौन है? प्रीति जिंटा। बिग बैंग में तैयार होने वाले रेस कौन से हैं? कॉस्मिक रेस। मतलब तुम्हें हर बात पर बहस करना अच्छा लगता है। फ्यूचर में हमारी शादी के बाद मैं तुमसे कुछ कहने आऊंगी तो तुम मुझे अपनी बातों से टॉर्चर करोगे। I'm sorry. मैं तुम्हारी वजह से रोई तो तुम क्या करोगे? सांत्वना दूंगा। मतलब शादी के बाद मुझे रुलाओगे? I'm sorry. तुम जा सकते हो। संसार की गाड़ी को हमेशा 2 पटरी पर चलाना चाहिए, मगर लगता है तुम्हारी समझ में ये बातें नहीं आ रही हैं। इसलिए मैं 1 पटरी पर गाड़ी नहीं चलाऊंगी। I'm sorry. अरे बेटा, अरे रुको रुको रुको। देखिए पंडित जी, आपको और आपके इस रिश्ते को धन्यवाद, मुझे छोड़ दीजिए। सब ठीक है ना? बिल्कुल नहीं,
क्या हुआ पंडित जी? जी, वीर कमरुद्दीन चंगेज खान तीसरी बीवी को चौथी डिलीवरी कौन सी आया ने किया था ये पूछे तो बुक पढ़कर या नेट देख करके बता सकते हैं जी, लेकिन आपकी बेटी जिस तरह का सवाल पूछती है ना, गूगल के बाप भी उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। पंडित जी, कोई आईएएस टॉप रैंक वाले को वो सब नहीं चलेगा। कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं आप, उसमें जो जीतता है ना उससे अपनी बेटी की शादी करवाइए। मुझे माफ कीजिए, मैं नहीं करवा पाऊंगा, बारात में बुला लीजिएगा। तुम टेंशन मत लो, अपनी बेटी को इम्प्रेस करने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मतलब एग्जाम मुझे लिखनी है, स्लिप मुझे आप देंगे? एग्जैक्टली। ओके रूपा, तू अपने डैड के लाए हुए रिश्तों को जानबूझकर इनकार कर रही है, मैं जानती हूँ, पर तू ऐसा क्यों कर रही है ये नहीं समझ पा रही हूँ। क्योंकि बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई, उसके बाद मेरे पिताजी की दौलत शोहरत देखकर उन्हें बहुतों ने दूसरी शादी करने के लिए कहा, मगर पिताजी ने कहा मेरी बीवी मेरे पास नहीं रही तो क्या हुआ, उसकी अनमोल यादें तो मेरे पास हैं। तब से लेकर आज तक मुझे मेरे पिताजी ने कभी मेरी माँ की कमी मुझे महसूस ही नहीं होने दी। इन फ्यूचर मेरे बच्चों को भी मेरे पिताजी के जैसे ही पिता मैं अपने बच्चों को देना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, पिताजी को ससुर के जैसा नहीं, पिता मानने वाला एक स्पेशल पर्सन मुझे चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर दैट स्पेशल पर्सन। सर 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 प्लीज सर प्लीज, शिट सर 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 प्लीज, लिफ्ट मिलेगा? कहाँ जाना है? गजबोली जाना है सर, मेरा इंटरव्यू है वहाँ, प्लीज सर टाइम हो रहा है। ठीक है सर, बैठो। थैंक यू सर। ओके बाय। सर आपके पास 100 रुपीज हैं तो दे दीजिए प्लीज सर प्लीज। इस इंटरव्यू के टेंशन में मैं अपना पर्स भूल आया हूँ सर, प्लीज सर यहाँ से बहुत दूर जाना है, ऑटो के लिए पैसे नहीं है सर, प्लीज सर प्लीज। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर प्लीज। इसका नाम है फिश रेड्डी, फिश फ्राई बहुत पसंद है लेकिन फिश की स्पेलिंग भी नहीं आती। धूप में घूमोगे तो फेस खराब होगा ही ना, कभी कभी आकर पार्लर में फेशियल करवा लिया करो। ओके वेंकट राव। बबली रेड्डी जी, अरे वो जगह मेरी है। ये है बबली रेड्डी, प्रोफेशन गुंडागिरी, मगर इसका पैशन है लोगों का फेशियल करना, इसीलिए एक ब्यूटी पार्लर चलाता है, वहीं सब सेटल करता है, काम से एक नंबर का धोखेबाज। अब इसीलिए तो तुम्हारा फेशियल करता हूँ। ये बताओ, टाटा से सब्जी का रेट पूछोगे तो बताएगा? लैंड तुम्हारी है इसीलिए तो तुम्हें लेकर आया हूँ। ए, कॉटन लाओ। कॉटन? ये कॉटन क्या है भाई? तेरी तो, कॉटन का मतलब रुई। सॉरी भाई। देखिए रेड्डी जी, उस जगह के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए वेंकट राव जी, आपके फेस में कितना ग्लो आ गया है। ए, वो डॉक्यूमेंट दे दो। इसमें लिखा है अपसीगुड़ा का साइट आप मुझे बेच रहे हैं, साइन कर दीजिए। डरिए मत, मैं आपकी लैंड पे कब्जा नहीं कर रहा, वो लैंड खरीद रहा हूँ। अगर ऐसा है तो ठीक है रेड्डी जी। 1962 में गोवर्धन रेड्डी के पास से आपके पिताजी ने 1 एकड़ का 20 रुपए के हिसाब से 5 एकड़ जमीन 100 रुपए में खरीदी थी, उसी रेट में मैं खरीद रहा हूँ। आपको प्रॉफिट नहीं दूंगा पर लॉस भी नहीं होने दूंगा। वो करोड़ों की जगह है, उसका वैल्यू आपको क्या पता। देखिए मैं कोर्ट में जाऊंगा। बचपन में ब्यूटिशियन का कोर्स करके ब्यूटी पार्लर बनाने के लिए पैसे मांगे थे, उन्होंने नहीं दिए तो मैं उन्हें मारकर राउडी चीटर बन गया। ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे लिए कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, मगर मारना नहीं। साइन करो। 2 इंच के तेरे दस्तखत में 2 बूंद स्याही लगेगी। ये ले तेरे पैसे। सेटल हो गया ना? अब क्यों इतना दुखी हो रहा है? पैसे दिए ना तुझे इस लैंड के। उसने 100 रुपयों में मेरी करोड़ों की जमीन खरीद ली, इससे तो मैं ऑटो करके घर भी नहीं जा सकता। ये क्या है? आपके फेशियल का बिल है सर। कितना है वो? क्या है, आज 90% डिस्काउंट चल रहा है ना, तो सिर्फ 100 रुपीज हुए। अरे इंसानियत भी कोई चीज होती है। अरे ए! वो जगदीश अपनी बेटी के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ रहा है भाई। गुड मॉर्निंग अंकल। मॉर्निंग। किसको अंकल कह रहा है?
अंकल तो तू है, मैं तो अभी जवान हूँ। होने वाले ससुर को अंकल कहकर ही बुलाते हैं ना अंकल। क्या कहा, होने वाला ससुर? तुझे किसने भेजा है मेरे पास, अभी बताता हूँ। पिए पिए। देखिए अंकल, मैं आपके पास आया हूँ तो आपके अंदर इतनी फीलिंग जाग रही है, उसी तरह से आपकी बेटी मेरे दिल में समाने के बाद यहाँ बिस्तर डालकर सोई हुई है, तो मेरी क्या फीलिंग होगी? ये तो मेंटल लग रहा है अंकल। हाँ अंकल, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, अगर शादी करूंगा तो मैं आपकी बेटी से ही करूंगा। अबे कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए चूहे के जैसे दिख रहा है तू, चुल्लू भर पानी में डूब मर। अंकल होने वाले दामाद को ऐसे चूहा हुआ मत कहिए, अगर आप मेरी लव स्टोरी सुनेंगे तो ऐसे बात नहीं करेंगे। अरे भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है? वही तो बता रहा हूँ अंकल, एक दिन मैं कोर्ट जा रहा था तो मेरे सामने आपकी बेटी आ गई। कई सालों से मेरे ऊपर बहुत सारे केस पेंडिंग है, उस दिन एक केस खत्म हो गया, मतलब आपकी बेटी एक दिन मेरे सामने आई तो एक केस खत्म हो गया। अगर वो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी तो मेरे सारे केस खत्म हो जाएंगे अंकल। अरे कौन है यार तू, ये कैसी बातें कर रहा है? प्लीज अंकल मान लीजिए, अंकल आपकी बेटी मेरी जिंदगी में आ गई तो मैं कितने भी मर्डर करूं, कितने भी रेस करूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। अंकल बस करो, बहुत हुआ। अपने इन पापों को धोने के लिए तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है? अगर तू एक मिनट भी यहाँ रुका ना तो सीधे कमिश्नर को कॉल करूंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए अंकल, मैं आपसे परमिशन लेने नहीं आया हूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। कभी ना कभी तो आपकी बेटी मेरी बनेगी। वंस अगेन गुड मॉर्निंग अंकल। ये तो कोई बहुत ही खतरनाक मेंटल लगता है। अभी तुम्हें मेरी बेटी से कैसे बात करनी है मैं बताता हूँ। तुम्हारी आंखें दिखने में बिल्कुल तुम्हारे पापा के जैसी है, और तुम्हारी नाक बिल्कुल तुम्हारे पापा पर गई है, और तुम्हारा बस कीजिए सर, एज इट इज आपकी तरह ही ये बता सकते हैं ना। अरे आप अपनी बेटी को किसी फूल के साथ या किसी फ्रूट के साथ मैच कीजिए, इससे छोड़कर आप पिता के साथ, मामा के साथ, दादा के साथ मैचिंग कर लें। अरे तो गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम ही बताओ तुम कैसे कहोगे। चलिए मैं बताता हूँ, तुम्हारे होंठ देखता हूँ तो अपने लफ्ज भूल जाता हूँ। अच्छा है, थैंक यू। तुम्हारी गर्दन वाइन बॉटल की तरह है, वाइन की बॉटल, हाँ देखकर रोक नहीं पाता। ये भी अच्छा है। तुम्हारे बस बस बस, देखो तारीफ चेहरे की कर सकते हो या फिर पैरों की, अगर किसी और चीज की तारीफ की ना तो सिर फोड़ दूंगा मैं। आप चुप रहेंगे सर, और तारीफ के बारे में नहीं फीलिंग्स के बारे में बताइए। ओके डार्लिंग, तुम्हें जब भी देखता हूं तो देखते रहने का ही दिल करता है। जब तुम बातें करती हो तो ऐसे लगता है जैसे घुंघरू बज रहे हो। अगर मुझसे प्यार नहीं करोगी तो फिर मेरा जीना ही बेकार है। ये क्या चल रहा है? Every breath you take, every move you make, you belong to me. दुनिया वाले चाहे जो कुछ भी कहे, मैंने फैसला कर लिया, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मैं तुम्हारे साथ ही जीऊंगा। I love you. बाप रे, आगे मैं नहीं देख पाऊंगा। कैसा रहा मेरा प्रपोजल? उल्टी करने के लिए हाथ मुंह में डालने की क्या जरूरत है? आपने जो कहा अगर वो सुनेगी ना ऑटोमेटिकली उल्टी हो जाएगी। ठीक है तो तुम ही बताओ। मैं बताऊंगा नहीं, सीधा करके दिखाऊंगा। अरे सुनो, इससे आगे मत जाना। हाय। क्या है, यहाँ क्यों आए हो? एक्चुअली उस दिन मैंने आपसे बहुत ही गंदा बिहेव किया, सो मुझे रियलाइज हुआ तो मैं आपको सॉरी कहने आया हूँ। ठीक है बोलो। सॉरी। ओके। ये क्या, मैंने आपको बहुत इरिटेट किया था, इसके लिए तुमने सॉरी कहा ना? सॉरी कहने से भूल जाने वाली ये कोई छोटी गलती है क्या? ठीक है, अब क्या कहना चाहते हो? सॉरी बोलने के अलावा और क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से चले जाओ। आपने माफ कर दिया ऐसा एक बार बोल दीजिए तो मैं चला जाऊंगा। ओके माफ किया। इतनी आसानी से कैसे माफ कर दिया? ये नहीं छोड़ेगा। अरे अरे सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो हेलो, क्या है ये? मैंने एक लाइन गाने की छूट क्या दे दी, तुम दूसरी लाइन में गाने लग गई। हाथ छोड़ो मेरा। आई लव यू। लव? मुझे तुम बहुत पसंद आए। मैं तुम्हें कहां से पसंद आ गया, तुम तो पानी में गिरी मगरमच्छ की तरह। छोड़ो मेरा हाथ। मैं नहीं छोड़ूंगी, पहले ये बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगे ना? शादी? देखो ब्लू क्रॉस वालों ने कहा है कि जानवरों को ज्यादा टॉर्चर ना करें, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। हाथ छोड़ो मेरा। प्लीज देखो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जो भी कहूंगा करोगी, तो मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। अभी तो कहा था जो कहूंगा वो करोगी। कैसे छोड़ दूं? तुम मेरे लव एट फर्स्ट साइट हो ना। तुम्हें देखता हूँ तो मैं साइड हो जाता हूँ, तो फिर ये लव एट फर्स्ट साइट क्या है? वो सब जाने दो, मेरा हाथ छोड़ो। अरे छोड़ो ना, बहुत दर्द हो रहा है। डैडी
हा? ये मुझे बहुत पसंद आया डैडी। अच्छा दामाद जी को पकड़ के रखना, मैं मंगलसूत्र लेकर आता हूँ। बाप रे इनकी जल्दबाजी देखकर ऐसा लग रहा है यही बच्चा पैदा करवा देगा। देखो कोई आ रहा है। अरे दामाद जी रुकिए, अरे रुकिए, अरे पकड़ो उसे, अरे रुको, अरे दामाद जी। फिर हो क्या रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या पता। कंग्रेचुलेशंस, मेरी बेटी पट गई ना, जल्दी बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, पट गई ना वो? पट गई। कंग्रेचुलेशंस। ये लीजिए, पकड़िए पकड़िए। ये क्या है? अगर फीट आए तो ऐसे ही चाबी रखकर कंट्रोल करते हैं ना। छी, ये खुशी के वाइब्रेशंस हैं, फिट नहीं है ये। खुशी के वाइब्रेशन, वो क्यों? अरे भाई मेरी बेटी तुमसे पट गई है ना। आपने कहा मेरी बेटी पट गई पट गई पट गई, ऐसा कंटिन्यू बोलते जा रहे, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। मतलब मेरी बेटी ने तुम्हें देखा भी नहीं, एटलीस्ट वो हंसी भी नहीं क्या? अच्छा हुआ चप्पल से नहीं मारा, इसके लिए आपको खुश होना चाहिए। मुझे पता था, इसीलिए मेरे पास एक और प्लान है। वो क्या है? अर्ली मॉर्निंग। बिल्कुल अच्छा नहीं। ए, बिना सुने प्लान अच्छा नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? मैं प्लान के बारे में नहीं कह रहा हूँ, टाइम के बारे में कह रहा हूँ। दोपहर की जगह अगर शाम को हो तो मुझे जरा कंफर्ट फील होगा। अरे पहले पूरी बात तो सुनो। मॉर्निंग में ऑफिस जाते समय मेरी बेटी के ऊपर गुंडे अटैक करते हैं। अरे आप उसके सगे बाप है ना, तो अपनी खुद की बेटी पर अटैक करवाते हैं, आपको शर्म नहीं आती क्या? बात तो पूरी होने दो। मॉर्निंग में जब वो ऑफिस जाएगी तो गुंडे उस पर अटैक करते हैं, ऐसा सेटअप बनाएंगे, तुम सेव करोगे और वो तुम्हें लव करेगी। ये प्लान है मेरा। सॉरी अंकल, आपका ब्रेन इतना क्रिएटिव है, ये मैंने सोचा ही नहीं था। इट्स ओके। फिर भी आपका प्लान जो है वो ओल्ड फॉर्मेट वाला है, जैसे बुढ़ापे में आपकी स्किन मुरझा गई है वैसे ही आपका मुरझाया प्लान क्लियर पता चल रहा है। सिनेमा देखा करो अंकल। ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं तो रिलीज्ड फिल्मों के फर्स्ट डे के फर्स्ट शो देखता आया हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही मास्टर आदमी निकला। फिलहाल अभी प्लान पर फोकस करेंगे। डन, मॉर्निंग में मिलते हैं। इसके बाद मिस मिसेस बन जाएगी। कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए तुम्हें? तू चाहिए, आजा राजा। गोविंदा गोविंदा। अरे आंखें तो गई इसकी। चल रहा है। नहीं। क्या सोचा, क्या हो गया? मुझे छेड़ते हो, परेशान करते हो, दिन में भी लड़की को अकेले घूमने नहीं दोगे? इतनी बुरी धुलाई। अरे चुप रहिए, ये सब पता होता तो मैं पहले से अरेंजमेंट करके आता ना। मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो, दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग नहीं, सब कुछ खराब हो गया है। मेरी बेटी का किक इतना जोरदार होता है, मैं नहीं जानता था। कम ऑन, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट प्लान। वो रोज प्लांट जरा मुझे दिखाना। ये वाली मैडम? वो नहीं, उसके बाजू वाला रोज। अच्छा ये वाली। हाँ भाई, इस पौधे को आजकल क्या बोलते हैं? इसे हमेशा से गुलाबी बोलते हैं सर। ओह गुलाबी बोलते हैं क्या? हाँ वही लेकर आना। अरे मैं जहाँ जाता हूँ आप वहीं चली आती हैं। नहीं हाँ। आप जहाँ जाती हैं मैं वहाँ चला आता हूँ। थैंक यू। आप खुद ही रोज की तरह दिखती हैं, तो आपको रोज का पौधा लेने की क्या जरूरत है? लगता है चने के झाड़ पे चढ़ गई, तारीफ की। आप टूथपेस्ट में नमक यूज करती है ना, आपके दांत बहुत ही चमक रहे हैं। जरा ये बॉटल देना प्लीज। नहीं समझा क्या? अरे बॉटल देना यार। अबे ईमानदारी से मांग रहा हूँ तो दे, ये पकड़। आजकल गर्मी बहुत है ना, अभी फ्रेश दिख रहा हूँ ना। थैंक यू, एंजॉय। तुमने ऐसा रिस्क क्यों लिया? अगर सच में उसमें एसिड होता तो? ये कोई रिस्क नहीं है, कॉमन सेंस है। कोई भी कमीना प्लास्टिक बॉटल में सल्फ्यूरिक एसिड कैसे डाल सकता है? बाय द वे, अब तक आप पर कितने एसिड अटैक हो चुके हैं? शी, मुझ पर किसी ने नहीं किया। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप तो बहुत ही खूबसूरत हैं। मेरे हिसाब से करीब 4-5 लोगों ने तो सुसाइड अटेम्प्ट किया होगा और 1 दर्जन लोगों का करियर बर्बाद हुआ होगा। हेलो, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं। मैं जब इंजीनियरिंग पढ़ रही थी तब रमेश और प्रकाश ने मुझे प्रपोज किया था। 4 साल मेरे रिप्लाई के लिए वो वेट कर रहे थे, उसके बाद नोबडी प्रपोज टू मी। मेरा नाम बताओ ना। अपनी बीवी को केरोसिन डालकर जला चुका हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए ना, ये प्यार नहीं है?
हमारे सांसारिक जीवन में मेरा बच्चा बीच में ना आ जाए ये सोचकर उसे मर्डर केस में फंसा कर मैंने उसे बच्चों की जेल में भिजवा दिया। ये तुम्हारे लिए किया है ना? बताओ ना। हाँ बेना, स्कूल बस में बम लगाने की डील में जो पैसे मिले थे ना भाई को, उस पैसे से भाई ने वृंदावन में फ्लैट खरीदा आपके लिए। हाँ? ये तुम्हारे लिए किया ना, ये तुम्हारे लिए मेरा प्यार नहीं है? अरे भाई ये सब तो अपराध है, प्यार थोड़ी ही है। और कौन से एंगल से आपको ये प्यार दिखाई देता है? तू कौन है रे बीच में? मैं इसे प्रपोज कर रहा हूँ ना। ये कैसा प्रपोज है? तुमने जो गुनाह किया है उसे अदालत में पेश करना चाहिए। छोटा भाई मैंने बताया था ना यही है वो। रूपा तुम्हारी आंखों के सामने इसे मारकर प्यार क्या होता है मैं दिखाता हूँ। क्यों बे हीरो बन रहा है क्या? कड़क जिम करता है। चलो पकड़ो उसे। भाई कहाँ है ये, दिख नहीं रहा है? क्या है ये, दीवार पर भूत के जैसे बैठे हो? यहाँ आओ। सर कोई गुंडा आपकी बेटी से प्यार करता है तो उसका प्यार प्रूव करने के लिए वो मुझे मारने वाला था, वो कौन है सर? वो गुंडा एक दिन सुबह सुबह मुझे जॉगिंग करते वक्त मिला था। वो पागलों की जैसे बात कर रहा था, कह रहा था कि आपकी बेटी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, कभी न कभी वो मेरी होगी। उसके बाद मेरी बेटी जहाँ भी मिलती उसे परेशान करने लगा। हाँ, उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करके उसे वार्निंग भी दिलवाई, फिर भी नहीं सुधर रहा है वो। वो मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा। तू करेगा? छोड़ना, उससे डरकर चूहे के जैसे यहाँ आकर छुपा हुआ है, बड़ा आया संभालने। हिरन का शिकार करते वक्त शेर भी दो कदम पीछे आता है। फिलॉसफी अच्छी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हिरन तू है। सर ये कॉमेडी करने का टाइम नहीं है, आपकी बेटी को इम्प्रेस करने के लिए मुझे उसे शहर से ही एलिमिनेट करना होगा। क्या कहा? अबे क्या कर रहे हैं, चल निकल इधर से। ये प्रॉपर्टी अपन के भाई का है, समझा क्या? ये पूरी प्रॉपर्टी अपन के भाई का है, चल चल निकल इधर से, चल 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 चल। ए फिश रेड्डी। हाँ बोलो भाई। तुम्हारे सर पे मेहंदी लगाता हूँ। मेरे को बाल नहीं है भाई, कहाँ लगाओगे भाई? तो तेरे थोबड़े पे मुल्तानी मिट्टी लगाता हूँ। अरे मेरी शादी हो रही है क्या कि मुल्तानी मिट्टी लगाओ भाई? विलन क्या करता है, धंधा करता है, मर्डर करता है, रेप करता है भाई, और आप भाई बाल काले करने में लगे हो। फिर से मुझे भाई कह रहा है, छोटा भाई हूँ। मेन विलन को भाई बोलते है भाई, छोटा भाई नहीं बोलते है भाई। भाई क्यों रे माइकल, मिल गया वो? वो नहीं भाई, हम मिल गए। हम मिल गए? क्या बोल रहा है तू? वो कैसे तुरंत गिरफ्तार करो। पर मैंने किया क्या है? क्यों बे, चार मीनार असेंबली गोलकुंडा इन पे कब्जा करता है, तेरी इतनी हिम्मत हो गई है? चार मीनार असेंबली गोलकुंडा कब्जा ले चल इसे पहले। अरे साहब मैंने चार मीनार गोलकुंडा असेंबली में कब्जा करके पब्लिक को परेशान करने के लिए अदालत ने बबली रेड्डी को सेक्शन 447 448 506 के आधार पर 5 साल की कड़ी सजा सुनाई है। जाएगा ही ना, हुसैन सागर चार मीनार गोलकुंडा पर कब्जा करता है और ऊपर से दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू बबली रेड्डी ऐसा बोर्ड भी लगाता है। बेवकूफ कहीं का, दिमाग तो है ही नहीं। गाली क्यों दे रहे सर? दरअसल वो बोर्ड मैंने लगवाया था। ऐसा क्यों किया तुमने? जेल से बाहर आने के बाद जब उसे पता चलेगा तो वो हमें जान से मार देगा। मेरी बेटी के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया तुमने। जब वो पैदा नहीं हुई थी तब मुझे बेटे की ख्वाहिश थी, लेकिन आज पता चला कि मैं गलत था, क्योंकि बेटा होता तो मुझे तुम्हारे जैसा दामाद कहाँ मिलता। एक्चुअली तुम्हारे पापा के साथ मैंने नाइंसाफी की, लेकिन तुम तो मेरा भला चाहते हो। मैं बताता हूँ उस दिन क्या हुआ था। जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए तुम्हारे पापा इंटरव्यू के लिए मेरे पास आए थे। प्लीज बैठिए ना। यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन? जी सर। यू आर सिलेक्टेड। बाहर वेट कीजिए, अपॉइंटमेंट लेटर भिजवाता हूँ। थैंक यू सर। हेलो। हेलो, मैं शेखर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। एक छोटा सा काम है। मेरे भाई को तुम्हारे ऑफिस में एक नौकरी चाहिए यार। तुम्हारे भाई को? हाँ यार, रिसेप्शन पे वेट कर रहा है वो। ओके सर, आप जाइए सर।
जॉब कंफर्म हो गया भाई। कैसे यार? ये एमडी और मेरा भाई क्लोज फ्रेंड्स हैं। एक फोन लगाया, काम हो गया। कांग्रेट्स यार। थैंक्स यार। सॉरी लक्ष्मी नारायण, एक्चुअली वो कोई बात नहीं सर, आज मुझे जॉब नहीं मिला इसलिए मैं दुखी नहीं हो रहा हूँ सर। 10 लोगों को नौकरी देने वाली पोजीशन पे मैं क्यों नहीं हूँ ये सोचकर दुखी हो रहा हूँ मैं। थैंक यू सर। उस दिन तुम्हारे पापा ने मुझे थैंक्स क्यों कहा यह मैं आज समझ पाया हूँ। अगर उस दिन उन्होंने जीएम की नौकरी कर ली होती तो इन 20 सालों में उनकी कमाई से सिर्फ एक परिवार सर्वाइव करता, लेकिन उन्होंने जो बिजनेस डाला उससे आज 40 परिवार सर्वाइव करते हैं। बिजनेस के मोटिवेशन के लिए कहीं ना कहीं वो मुझे भी कारण मानते थे, इसीलिए उस लिस्ट में मेरा भी नाम होगा। दोस्ती की खातिर तुम्हारे पापा के साथ मुझसे अन्याय हुआ, अब मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा कर गलती का पश्चाताप करना चाहता हूं। जगह बदल गई, फेशियल नहीं छोड़ रहा है, समझ से छोड़े भाई। हाँ? ये कौन है रे? बैगन की तरह दिखाई दे रहा है। ओ, आपने कहा था ना भाई, एक हिम्मत वाले को मेरे पास लेकर आओ, यही है वो हिम्मत वाला भाई। हे, हिम्मत वाला बोला था, मोटे आदमी को लाने को नहीं बोला था, मर्द आदमी चाहिए। और ये तो भिक्षु यादव का असिस्टेंट है ना? तो क्या हुआ भाई, असिस्टेंट डायरेक्टर डायरेक्टर नहीं बनता, स्टूडेंट लेक्चरर नहीं बनता। अब उनको बस एक चांस दो, पूरी मैगजीन खाली कर दूंगा, खून के साथ साथ अतड़ी भी बाहर आ जाएगी। शाबाश, मुझे तुम्हारा गुस्सा पसंद आया, एक समय मैं भी तुम्हारे जैसा था। मेरे जैसा काला? फ्लैशबैक जरूरी है क्या? कलम के बारे में नहीं कहा, गुस्से के बारे में कहा। ये डील मैं तुम्हें देता हूँ, डिटेल्स फेशियल करते करते बताऊंगा। हाँ बैठ जा, तोड़ रहे। ये क्या बबली भाई, मर्डर करने के लिए बुलाए या फेशियल करने? फेशियल करूंगा ना तो तू गोरा और खूबसूरत हो जाएगा। अपन को खूबसूरत नहीं बनना, एडवांस में सिर्फ 1,00,000 दे दो। एडवांस तो कितना भी ले ले, काम होना चाहिए बस। एडवांस कितना भी ले लो बोल रहा है, तो टोटल पेमेंट कितना होगा? ठीक है भाई, आप क्लू दे दो, अपन डेड बॉडी दे देगा, सिंपल। वेरी गुड। अच्छा हाँ, तुम्हारी नाक का एक बाल बढ़ गया है, कट कर दूं क्या? कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। क्या हुआ फिश रेडी? भाई आप यहाँ लोगों के नाक के बाल काटेंगे तो लड़की की शादी हो जाएगी भाई। ए, फोटो दे उसका, इसे खत्म करना है तुम्हें। इससे तो अपन को ही बदला लेना है, और ये बबली भाई इसी की सुपारी दे रहा है, इसके लिए तो एक ही गोली काफी है। तुझे अपनी बहन की शादी करवानी क्या, इससे इतनी देर से फोटो क्यों घूर रहा है तू? इसे तो खत्म करना है। इस फोटो को बड़ा बना कर रखो भाई, हार पहनाने के काम आएगा। असल में ये तो और थोड़ी देर यहाँ आना तो तेरी आंखों पे घेरा लगा के फेशियल करके यहाँ से भेजेगा, बैठेगा क्या यहाँ पे? जल्दी कर यहाँ से। भाई आता हूँ। ऑफिस से आ रही हो क्या भाई? उधर देखो, घर जा रही हो? आ गए अभी। आप इसके साथ घूम रही है, भाई को पता चला तो बहुत फील होगा उनको। अभी तेरे साथ घूमे चलेगा, तू भाभी के साथ घुमा ना, डेंजर है तेरे लिए। भाई को चालाकी से जेल भिजवा दिया इसलिए बहुत नाच मत तू, 2 दिन के बाद भाई बाहर आ जाएंगे। ऐसा क्या? क्या आएगा बे वो? जा अपने भाई को बोल फेशियल करने के लिए, चल निकल। व्हाट, तुम चलो ना, चलो चल जा। हाउ इज इट पॉसिबल? थैंक्स। वो क्यों? वही बबली रेडी का न्यूसेंस क्लियर करने के लिए। थैंक यू। वन सेकंड। हाँ अंकल बोलिए। मेरी बेटी से मिले क्या? हाँ अभी अभी मिला। तो तुम अभी मेरी बेटी से कैसे बात कर रहे हो? दे दो, 10 रुपए दे दो बाबा। चल जा 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 जा। कैसी बातें कर रहे हो, कहाँ जाऊँ मैं? अरे अंकल आपको नहीं कह रहा हूँ, एक भिखारी है, उसको भूख लगी है इसलिए पैसे मांग रहा है। ओ, एक तो उसने शर्ट भी नहीं पहनी है। उसने शर्ट नहीं पहनी है? हाँ। मेरी बेटी अभी तुम्हें देख रही है क्या? बाबा को बहुत भूख लगी है बाबा। हाँ देख तो रही है। बाबा के नाम पे तुरंत अपनी शर्ट भिखारी को दे दो। मेरी शर्ट मैं नहीं दूंगा। हाँ मेरे घर में फटा हुआ कपड़ा तो है, वो चाहे तो मैं दे देता हूँ। ओ मेरी बात सुनो, दे दो ना। ठीक है दे रहा हूँ। गुड, ये ले। अच्छा मैं कल मिलता हूँ। हाँ बाय बाय। अबे चल चल जल्दी चल। क्या बात है सर, जल्दी में क्यों है? अबे पीछे मुड़कर देख एक बार, हुआ क्या? अगर वो मेरे पास आया ना तो उसे ये भी निकाल के देना पड़ेगा। तू जल्दी स्टार्ट कर यार, चल चल। अरे यार अब इसका भी बीच में फोन आना था। हाँ बोलिए क्या हुआ? मेरी बेटी खुश है ना? हाँ ठीक है ठीक है, सीधे घर पर आ जाओ। अभी घर मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा, वो मैं अर्जेंट काम से जा रहा हूँ।
ओफो मेरी बात सुनो, एक कोरियन फिल्म में हीरो हीरोइन को पटाने के लिए ढेर सारे हथकंडे अपनाता है, उसे डाउनलोड कर लिया है मैंने। अच्छी बात यह है कि उसमें सबटाइटल्स भी हैं। अरे तुम आओ तो सही, दिखाता हूँ तुम्हें, झूम उठोगे। अगर आप मुझे देखेंगे तो आपको शौक हो जाएगा, चाहो तो रात को आ जाऊंगा। अरे तुम भी ना, डिसअपॉइंटमेंट की बातें क्यों करते हो? सुनो, घर में अभी कोई नहीं है, यही सही वक्त है, आ जाओ, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। छी, ये मेरा बॉस नहीं, बहुत बड़ा केस है। समझने की कोशिश कीजिए, मैं बहुत ही बैड पोजीशन में हूँ यार। ठीक है, फिर एक काम करो, वो जैसा है एज इट इज शिवा रेड्डी को दिखा दो। वो कैसा है शिवा रेड्डी तुम्हें बताएगा, यू डेफिनेटली लव इट। बाप रे, अब इसकी नजर मेरे ऊपर है। हाँ शिवा रेड्डी, शिवा रेड्डी, अरे सुनो तो, मैं आता हूं। ये क्या कर रहा है? सिनेमा दिखाने वाला था, भाग गया? ये भी अजीब है, क्रेजी फिलो। एल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, पता है ना? पता है सर, पियो तो स्ट्रोक आता है और कैंसर भी होता है, और ज्यादा खाओ तो कोलेस्ट्रॉल, ये सब डर है सर, और इतना ज्यादा डर कि हम मर जाएंगे सोचकर हम खाने में नमक और तीखा भी कम कर देते हैं। एक बात बताऊं सर, डेथ को पोस्टपोन करने के लिए अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल जाते हैं। ये लीजिए, अरे पकड़िए ना, सिर्फ एक पैग। ओके सर, वन मोर। Cheers. Cheers. देख रहे हो तेरी बेटी को? उसे एक घंटा लेट होगा इसलिए उसने मुझे मैसेज किया है। बचपन से ही मैंने उसे ऐसी परवरिश की है कि उसे उसकी माँ की याद ना आए। उसे किसी भी चीज की मैंने कमी नहीं होने दी, सब कुछ दिया उसे, मैंने उसकी सारी ख्वाहिश पूरी की है, मगर अभी तक उसके पसंद का कोई लड़का नहीं ढूंढ पाया। बस उसकी शादी हो जाए तो मेरी टेंशन दूर हो। हेलो भाई, उसे खत्म कर दूं? खत्म कर दो जल्दी। तो फिर एडवांस फिश के पास से ले लूं? तू फिश के पास से लेगा या मटन के पास से लेगा मुझे नहीं पता, तू उसे फिनिश कर दे बस। भाई क्या हुआ भाई? कट कर दिया, काम खत्म होने के बाद पैसा देगा ना? लेट नाइट शॉपिंग करते करते देखो कितना लेट हो गया, ऑटो भी नहीं मिल रहा, थोड़ा आगे जाएंगे तो मिल जाएगा। देख देख, आजा आजा, देख देख, चल आजा, और नहीं तो सही क्या घंटाला चल रे, मेरी बेटी है, स्मार्ट है, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ। अरे तू दर कट लिया पुलिस वाला, वो तो ऑटो पे भाग गई यार, चली गई। मजा आ गया। सिगरेट मत पियो भाई, तकलीफ तुम्हें ही नहीं ओजोन लेयर को भी होती है। तू कौन है बता? अरुंधति फिल्म देखी है? नहीं देखा तो? नहीं देखी? नहीं देखा तो मारेगा तू? कोई डाउट है क्या? नहीं देखा तो मारेगा? डाउट है? मैंने देखा है, क्या करेगा तू? चल कहानी सुना। कहानी? हाँ सुना। ओपन किया तो? ओपन किया तो कहानी सुना। सुना सुना, चल कहानी सुना। बोल सुनाता है कि नहीं बोल? अरुंधति फिल्म आपने देखी है क्या? अगर मैंने देखी होती तो तुझसे क्यों पूछता? भाई क्या हुआ बे, उसे खत्म किया कि नहीं? उसके लिए पहले एक्शन फिल्म देखनी होगी, फिल्म देखकर आता हूँ फिर उसे खत्म कर दूंगा। चल रहे सर, मैंने कुछ नहीं किया। अरे आप क्यों चुप रहे हैं? चलिए
क्या हुआ सर? सॉरी बेटा, मैंने भी अरुंधति फिल्म नहीं देखी। अरे सर, मैंने उन्हें अरुंधति फिल्म के लिए नहीं मारा सर। तो फिर? वो आपकी बेटी को छेड़ा इसलिए। ऐसा क्यों? उस रीजन से मारा होता तो वो लोग आपकी बेटी से बदला लेने के लिए आपकी बेटी को वापस कहीं अकेला देकर छेड़ देते, इसलिए ये तरीका अपनाया। यू आर राइट, थैंक यू। तो फिर चले? चलिए। हे देवी, आज की नौकरी मुझे मिल जाए। अगर आज ये नौकरी मुझे नहीं मिली तो ये मेरा आखिरी दिन होगा। हेलो बॉस, क्या हुआ? बहुत दिनों से नौकरी के लिए कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक कहीं नहीं मिली। मेरी माँ ने मेरी पढ़ाई पे बहुत खर्च किया है, अब उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। जहाँ भी जॉब के लिए जाता हूँ, बिना रिश्वत के कोई जॉब नहीं देना चाहता, और मेरे पास उतने पैसे नहीं है। आज मेरी आखिरी कोशिश है, अगर आज मुझे ये नौकरी नहीं मिली तो मैं सुसाइड कर लूंगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है मेरे पास। कैसे मरना चाहता है? ट्रेन के नीचे या फिर बस के नीचे आकर। कामयाब नहीं हुआ तो? जहर खाकर मर जाऊंगा। और उससे भी नहीं मरा तो? फांसी लगा लूंगा। हेलो बॉस, मरने के लिए इतने ऑप्शन सोचे हैं, तो जीने के लिए एटलीस्ट एक ऑप्शन तो होगा ना। मुझमें और तुम्हें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली ट्राई कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल अच्छी नौकरी मिल जाएगी। Cool. और थोड़ा सा ट्राई करो, श्योर सक्सेस होगे। ऑल द बेस्ट, गुड लक। हाय। हाय डैड। नमस्कार, पेश है आज के मुख्य समाचार। 4 सालों में आंध्रा को सिंगापुर बनाने वाले हैं चंद्रबाबू। मंडीगोंडा में रहने वाले चैतन्य नाम के युवक ने इतनी छोटी उम्र में एक ऑर्फनेज में बहुत बड़ा अमाउंट डोनेट किया है। उनके इस काम की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। एरिया के एमएलए ने भी इस बात की सराहना की है। यस! हेलो। हे, लगता है अपना प्लान सक्सेसफुल हो गया। हाँ? और एक फाइनल टच दे दिया जाए तो मैटर फिनिश हो जाएगा। वो भी कब का तैयार करके रखा है। आप रिलैक्स हो जाइए, टेंशन मत लीजिए। ओके। मैम साहब, आपका कुरियर आया है। कुरियर अभी? ठीक है, तुम जाओ। दुनिया में बैड लक का मतलब होता है माता पिता के बिना जीना, और गुड लक का मतलब माता पिता की याद नहीं आती इस तरह जीना। ऐसे बच्चों की मदद करना सच में बहुत बड़ी बात है। Happy birthday, Rupa Didi. Happy birthday, Rupa Didi. Happy birthday, Rupa. आज है November 21st, World Adoption Day, and your birthday also. Really, a great coincidence, Rupa. Have a blast. हेलो। क्या कर रहे हो? हाय, वो मैं नथिंग। कल मिले क्या? श्योर, पक्का मिलते हैं। ओके, बाय, गुड नाइट।
मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे रूपा। थैंक्स। तुम्हें कुछ बात करनी थी मुझसे? वो बोलो ना, चलेगा। वो मैं तुम्हें बहुत पसंद हूँ ना। बोलो ना, मैं तुम्हें पसंद हूँ ना। अभी ये सारी बातें किस लिए? अरे बाबा बोलो ना। पसंद हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मगर तुम मुझे पसंद नहीं थे, लेकिन वो कल तक। मगर आजकल तुम्हारे सभी अच्छे कामों को देखकर शायद मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तुम्हारे साथ व्हाट्सएप पे चैटिंग करने का दिल करता है, एक सेल्फी लेकर फेसबुक पर स्टेटस चेंज करने का दिल करता है, और हम दोनों थोड़ा आगे गए तो तुम्हारे साथ मिलकर ऑर्फनेज के 10-15 बच्चों को गोद लेने का दिल करता है। ऐसा हो रहा है तो लोग इसे प्यार कहते हैं, तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई थिंक आई एम इन लव विथ यू। मैंने इतना कहा लेकिन तुम कुछ नहीं कह रहे हो। तुम प्यार मुझसे नहीं, उससे करती हो। What? बिल्कुल, तुम मुझसे नहीं उससे प्यार करती हो। मतलब तुम्हारा कोई हमशक्ल है? नहीं। तो फिर तुम कौन हो और वो कौन है? कल तक तो मैं तुम्हें पसंद नहीं था, क्योंकि वो मैं था। मगर आजकल मैं तुम्हें बहुत पसंद आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अच्छी नौकरी है, अनाथों को 10 लाख रुपए डोनेट किया है, उन्हीं बच्चों के साथ मिलकर तुम्हें बर्थडे विश भी किया। ये तो मैं बहुत कर चुका हूँ, लेकिन ये सब मैंने नहीं किया, दूसरे ने। सच कहो तो सारी गलती मेरी ही है, क्योंकि वो सब नाटक ही था। हाँ बिल्कुल, तुम्हें किसी भी तरह इंप्रेस करने के लिए मुझे नौकरी मिलना, बच्चों को पैसा डोनेट करना, ये सब ड्रामा था। मुझे लगा मैं तुम्हें इंप्रेस कर रहा हूँ, लेकिन खुद को धोखा दे रहा हूँ ये जान नहीं पाया। फिर भी मैं तुम्हारे लिए करेक्ट नहीं हूँ। मुझे भूल जाओ ये कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जिस तरह पहले देखा था वैसे अभी देखोगी तो भूल जाओगी। एनीवे, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, गुड बाय। इस तरह उदास क्यों, क्या हो गया? सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही तो हो रहा था, अब अभी क्या हो गया, तुमने रिजेक्ट क्यों किया? सर, हम दोनों ही आपकी बेटी को धोखा दे रहे थे। सॉरी सर, एक छोटा करेक्शन है, मैं आपकी बेटी को धोखा दे रहा हूँ सर। सारे माँ बाप अपनी बेटी की शादी करवाते हैं, लेकिन आप जैसे बाप जो उसकी पसंद से शादी करवाते हैं वो बहुत कम होते हैं। सारे लोग आपकी तरह सोचें तो कोई भी लड़की मर जाने के लिए या भाग जाने के बारे में सोचेगी भी नहीं। आपके ही लाइफ में नहीं सर, आपकी बेटी की लाइफ में भी पूरी तरह सक्सेस है। बाय सर। लगता है तुम भूल गए। याद है तुमने क्या कहा था? कहा था तुम्हें अपने पापा की इच्छा पूरी करनी है। सर, मेरे पापा ने मदद करने को कहा था, धोखा देने के लिए नहीं। लेकिन ऐसा सर, 100 रुपए दे दीजिए सर, प्लीज सर। ऑटो के लिए भी पैसे नहीं है सर, बहुत दूर जाना है मुझे। प्लीज सर, मुझे इंटरव्यू देने के लिए जाना है सर, बहुत टेंशन में हूँ। प्लीज सर, थैंक यू सर। ठीक है। यू चीट, ओ माय गॉड। कितनों के साथ ऐसा किया है और कितने दिन से कर रहा है? तुम जैसे लोगों की वजह से जिन्हें सच में जरूरत होती है उन्हें मदद नहीं मिलती, और इस तरह धोखा देकर जीने में शर्म नहीं आती? क्यों शर्म आएगी सर, और किसके लिए शर्म आएगी? अगर मैं सीधा आपसे कहूंगा कि मुझे भूख लगी है 100 रुपए दे दीजिए, तो आप देंगे? नहीं देंगे ना, कोई भी नहीं देगा इस दुनिया में। कौन है इस दुनिया में जो नाटक नहीं करता है सर? कौन है जो धोखा नहीं देता? कुछ लोग पैसों के लिए, कुछ लोग पदवी के लिए, कुछ लोग दारू के लिए, तो कुछ लड़की के लिए, जीने के लिए मेरे जैसे लोग। अब उतनी दूर क्यों जाए सर? आपने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है? आपने कभी नाटक नहीं किया क्या?
इन सवालों के जवाब मुझे मत दीजिएगा सर, बस अपने मन में जरा सोचिएगा। इन सवालों के जवाब मुझे मत दीजिएगा सर, बस अपने मन में जरा सोचिएगा। गुड इवनिंग सर, वीजा कंफर्म हो गया है, 2 दिन बाद आपको जाना है सर। फ्लाइट के टिकट सर, आप दुखी हैं ना सर अपनी बेटी की शादी को लेकर? बेटी की शादी के बारे में दुखी नहीं हूं, मेरे यूएसए जाने से पहले उसे और चैतू को मिला क्यों नहीं पाया दुख इस बात का है। तुम फॉरेन डेलीगेट्स के साथ मीटिंग का इंतजाम करो। ओके सर। डैडी, आप ही एक अच्छा रिश्ता देखकर ओके कर दीजिए। आई एम रेडी टू मैरी। अगर तुम कह रही हो तो मैं ढूंढता हूं, लेकिन चैतू से कोई अच्छा लड़का मिलेगा मुझे नहीं लगता। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? चैतू को मैं कैसे जानता हूं? 2 महीने पहले वो मुझसे मिला था। जब कोई लड़का शादी के लिए दुल्हन देखता है तो उसकी हाइट नहीं है, फेयर नहीं है, दौलत नहीं है, ऐसी बहुत सारी वजहें बताता है। लेकिन तुम्हारे बारे में जाने बिना उसने शादी करने के लिए हाँ कर दिया, सिर्फ अपने पापा की इच्छा पूरी करने के लिए। तुम्हारा लव प्रपोजल सुनने के बाद अगर कोई दूसरा होता तो मेरी दौलत को देख कर मान गया होता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। अगर चैतू से भी अच्छा लड़का तुम्हें चाहिए और तुम कहती हो कि मैं ये शादी नहीं करूंगी तो दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं है। अब इस मामले में फैसला तुम्हें करना है। वो लड़का अच्छा है, मुझे भरोसा है कि वो तुम्हें खुश रखेगा। उसे एक बार समझने की कोशिश तो करो। चैतन्य, 1 मिनट बेटा। ये लो, तुम्हारा किसी कंपनी से ऑफर लेटर आया है। हाँ? क्या हुआ बेटा? मुझे तो लगा था ये लेटर देखकर तुम खुश हो जाओगे। तुम भी तो यही चाहते थे ना? अब इस अपॉइंटमेंट लेटर से ज्यादा अपनी शॉप कीज पकड़ने में मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी।
तुम्हारे मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि तुम्हें किसने किडनैप करवाया है। नहीं जानती ना? अगर बताऊंगा तो तुम्हें शॉक लगेगा। तुम्हें किडनैप कराने वाला है तुम्हारा बाप। तो मुझे किसने किडनैप करवाया? अरे तुझे किडनैप करवाने वाला अपुन है। और मुझे किसने किया? भाई आप तो 2 महीने में एक बार पकार देते हो, जबकि घर में मेरा बेटा डैडी साइकिल चाहिए, डैडी साइकिल चाहिए, मेरा सर खा जाता है। परेशान हो गया था इसलिए मैंने भी आपका रास्ता अपना लिया। किडनैप कर लिया? अच्छा क्लाइंट है भाई ये। क्लाइंट है? हाँ। पैसे देगा? कौन है वो? मैं हूँ। शिवा तुम ये यहाँ कैसे आया? हाँ? मुझे किसने किडनैप किया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा किडनैप करवाने से तुम्हें क्या फायदा है? वो मैं बताता हूँ। जरूरत उसकी थी और मौका मुझे मिला। अगर डिटेल में तुम्हें बताऊं तो बेल पर जब मैं बाहर आया तो मुझसे मिलकर इसने तुम्हारी दौलत मांगी। सिर्फ दौलत ही मांगी होती तो ठीक था, मैं उसे छोड़ देता, लेकिन दौलत के साथ साथ इसने तुम्हारी बेटी भी मांगी। तुम्हारी बेटी तो मेरी है ना। मेरी प्रॉपर्टी में कोई टांग अड़ाएगा तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसीलिए इसे बांध कर रखा है। मुझे धोखा देता है। वाह 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 वाह, सुपर है सुपर। भाई बहुत मस्त सीन है भाई, एक साथ में इतनी सारी किडनैपिंग, ये कौन सी फिल्म है भाई? भाई मुझे भी एक छोटा सा रोल दे दो ना प्लीज। हे ये रियल सीन नहीं है बे, रियल सीन है, जा यहां से। मतलब ये फिल्म की शूटिंग नहीं है, रियल किडनैपिंग है। अगर मालिक को पता चला तो। ए, तुम सबको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, ये जगह खाली करके निकल जाओ यहाँ से। तू कौन है? छत्रपति सिनेमा का विलेन है क्या? उठ यहाँ से। बाप रे ऐसे देख रहा है मुझे तो, मारेगा क्या मुझे? तेरे जैसे बहुतों को देख चुका हूँ मैं, मेरा बैकग्राउंड तेरे को नहीं मालूम है। अरे मार डाला इसने मुझे तो। मेरे बियर बिरयानी लाने से पहले ही मेरी फैक्ट्री को कब्जे में करके किडनैपिंग का प्लान कर रहा है ये, ऊपर से मुझे मार रहा है। इसे तो मैं तुझे बियर बिरयानी मैं दिलाऊंगा, खोलना ये। अरे खोलना यार। देख मैं उसे अभी दिखाता हूँ बढ़िया से। वो फिश रेडी कहाँ है? आ रहे हैं भाई, जल्दी बुलाओ उसे। खींच कर फेंको इसे। जी भाई। छोड़ मुझे, छोड़। मुझे नहीं जानता तू, मेरी फैक्ट्री में आकर मुझे ही मार रहा है तू। देख तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। ओए शादी के तू ले, देख मैं तुझे कैसे मारता हूँ, तू नहीं जानता मुझे। बाहर ले जाकर फेंक दो इसे। चलो उठाओ। भाई ये कहाँ गया? जाकर ढूंढो उसे। चल 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 आ जा। किधर गया? चल जल्दी, चलिए चलिए। निकलो यहाँ से, चलो निकलो। ऐसे क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं तो तुम्हें मिलवाने के लिए ऐसा प्लान किया था, मुझे क्या पता था कि दांव उल्टा पड़ जाएगा। ठीक है चलिए। अरे टेंशन मत लो भाई, अपन उनको पकड़ लेगा। एडवांस मांग, एडवांस एडवांस। हाँ भाई एडवांस कब दोगे भाई? अभी लेगा या बाद में लेगा ये तेरी मर्जी है, पहले उन्हें पकड़ तो यार। ओके ठीक है। क्या कर लेगा तू? श्रीदेवी ने फिर से एक्टिंग शुरू कर दी है। जानते हो श्रीदेवी बैठ के हो? अरे श्रीदेवी श्रीदेवी है यार। पहले दिया वालिया भाटा। हाँ। जा ढूंढो उन्हें। जा रहे हैं। मेरे साम्राज्य में आकर मुझे मारोगे तुम लोग? तुम सबको अभी दिखाता हूँ कि रियल सिनेमा क्या होता है। ऐसे ही मार दूंगा तो हत्या, लेकिन इससे मारूंगा तो बलि। देवी की बलि है ये, बाहुबलि। भाई कोई समय पे मदद नहीं करता। देखना इसे कैसे मारता हूँ। तूने मेरे को क्यों मारा? ये ले, तेरी जाती हिम्मत बॉस पे हाथ उठाता है, उसे बाद में देखूंगा, अभी तो जाऊंगा। सॉरी गलती से लग गया। मुझे क्यों मार रहा है? उसे क्यों नहीं मारता? पहले तुझे मारूंगा। ये मुझे मारा। भाई 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 भाई, असली आदमी को छोड़ के हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? भाई बहुत भूख लगी है भाई। बाहुबली भाई
इस बाहुबली से कोई नहीं बच पाएगा। बाहुबली चलो बेटी। मुझे छोड़ दो, मुझे मत काटना। देखो तुम्हें काटने के लिए चाहिए तो मैं तुम्हें बकरा दे दूंगा। मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। कहाँ मर गए तुम सब? छुड़ाओ मुझे, हाथ खोलो। तुझे खोल दूँ? जब एडवांस मांगता हूँ तो बाद में ले लेना। पूछता हूँ फिश से ले लूँ तो कहता है मटन से ले लेना। अब बता एडवांस कब देगा है? अरे एडवांस क्या, फुल पेमेंट दे देता हूँ। पहले हाथ तो खोल, देगा ना मुझे? सच में देगा ना? खोल ना, देता हूँ यार। ओके। बाहुबली, अंधे हुए आदमी को ये बाहुबली नहीं मारने वाला। बाहुबली खोल रहे, खोल ना यार, जल्दी खोल। अच्छा सच सच बता, दूंगा। देगा ना? सच्ची देगा ना? कसम खाता हूँ यार, खोल। ठीक है। झूठी कसम खाता हूँ। उन सब को पकड़ो। अब क्या चाहिए भाई? मैं इन लोगों से परेशान हो गया हूँ। तुम कुछ पैसे दे दो, अपने बेटे के लिए साइकिल खरीदनी है। बाहुबली पैसा चाहिए? बाहुबली किसी को नहीं छोड़ेगा। बाहुबली मंगल से तैयार है भाई। आप ऐसे खड़े क्यों भाई? मुहूर्त का टाइम निकल जाएगा भाई। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। पहले मंगलसूत्र बांधते हैं। चलो भाई धोती बांधो, भाई धोती बांधो। शर्माना बहुत हो गया भाई, बात हो गया। मेरी बेटी को छोड़ दो। दो रुक, दो यहाँ रुक। भाई ये हार पहना भाई। भाभी भाभी हार पहना भाभी। हार तो मुझे पहनाना था। ये क्या मंगलसूत्र तू क्यों बांध रहा है? अरे कोई भी पहनाना तो आप ही को भाई, पहनाओ पहनाओ। एक काम खत्म हुआ। ओ भाई 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 जरा माचिस देना। अर्जुन तो इतनी बड़ी तलवार लेके कहाँ जा रहा है? मारेगा क्या किसी को? उसे खत्म करना है। कौन है वो? है? वो तो अपना ही आदमी है भाई। वो तेरा आदमी है? है? मतलब तू उसका आदमी है? और नहीं तो क्या? तो पहले तुम्हें खत्म करता हूँ। अबे बाद में कॉल करता हूँ, फोन रख। अरे भाई अभी तक पकड़ के खड़े हो, पहनाओ ना। उसे हटा ले। तू हट जा, देख जा। अरे भाई जल्दी करो भाई। ये क्या भाई? लात मंगल सूत्र उसने पहना दी थी, और क्यों रखा है? वो भी उसे दे दो ना भाई। स्टॉप इट। कोई हिलेगा नहीं, कोई हिलेगा नहीं। अरे भाई चलो सबका ले, चलो सबका चलो भाई। सुनो सुनो याद है तुमने उस दिन कहा था कि तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो? ये सब अपने हाथ में नहीं होता, ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है। ऑल द बेस्ट, हाथ मिलाओ। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ क्यों मैं कैदी क्यों खड़े हैं, और किसके लिए? बबली रेड्डी से फेशियल करवाने के लिए। क्या बात है, यहाँ भी इसका धंधा जोरों पर है। ओके लाओ पैसे दो। आजा भाई प्लीज। भाई
मुझे भी बैंकॉक ले चलो भाई, मैं वहाँ कुछ भी करूंगा भाई। भाई फ्लाइट में खड़ा होकर भी जा सकता हूँ भाई। भाई बैंकॉक ले चलो ना भाई। भाई चले गए क्या? इतना होने के बाद भी इसका बैंकॉक जाने का इरादा नहीं बदला।